اعوذ بالله, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني के साथ रहेगा अवतार तक प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ गुफ्तु होती है मकसद ये होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने का बहुत कम मौका मिलता है कि आप रोजमर्रा की ज़िंदगी पे आसानी से बात कर सकें जाहिर सी बात है टेलीविज़न है इंटरटेनमेंट शोज ज़्यादा चलते हैं लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स जिनमें में इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए अच्छी बात आप लोगों तक पहुंचाई जाए सो so, मैं बहुत शुक्रगुज़ार होता हूं हमेशा से अफतार ट्रांसमिशन की वजह से अच्छी बातें आप तक पहुंचाने में और जब हम अफतार ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो अल्लाह गरी के रहमत करे मेरे बड़े प्यारे दोस्त आमिर लियात हुसैन उनकी याद आती है बिकॉज़ ये सारी रौनकें जो टी वी तक पहुँची अफ्तार ट्रांसमिशन की उसका क्रेडिट आमिर को जाता है और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ये आमिर के हिस्से में ही ये बात जाती है एनीवे anyway, आज भी बहुत अहम एक टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं और वो है जहाद जहाद की जब हम बात करते हैं तो जो जिहाद के मायने हैं उससे बिल्कुल बरअक्स एक चीज़ है जो हमारे जहनों में बिठा दी गई है कि जिहाद का मतलब है कि जंग करना लड़ना खां लोगों को नुकसान पहुंचाना ऐसा हरगिज़ नहीं है अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो एक 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 बहुत बुनियादी अकीदा है हमारा जिहाद करना जिहाद के मायने अगर मैं बात करूं, तो एक नेक काम में इंतहाई ताकत और कोशिश करना नेक काम में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पर हम बात कर सकते हैं Uh, हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त करके उसको किस तरह से आपने सही करना है इसको जिहाद कहते हैं uh, जिहाद के मायने सिर्फ लड़ना नहीं है uh, वेस्ट में कोई पिछले पंद्रह बीस सालों में इस लफ्स को बहुत ग़लत तरीके से पेश किया गया लोगों तक पहुंचाया गया और जिसकी वजह से ये लफ्ज़ जो है आज जिहाद का ऐसा लगता है सुनते ही कि हम जिहाद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो जंग के लिए तैयार हैं या हम किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं ऐसा हर किस नहीं है जो सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो जिहाद है जिहाद बिल नफ्स है अपने आप से जंग करना हर इंसान ज़िंदगी में जिहाद कर रहा होता है हर इंसान की कोशिश होती है जैसे रमज़ानों में रोज़ों में जब हम बात करते हैं तो आपका जहाद क्या है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका जब दिल करता है आप पानी पीते हैं खाना खाते हैं जो भी बात आपके मुंह में आती है आप कह देते हैं कभी कभी किसी से बदतमीज़ी भी हो जाती है कभी किसी के मुंह से गलत अल्फाज निकल जाते हैं और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप आम ज़िंदगी में करते रहते हैं लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर से आपका जहाद का होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो आपने ना किसी का दिल दुखाना है ना किसी को तकलीफ़ देनी है ना झूठ बोलना है ना आपकी वजह से किसी को परेशानी हो आ, आपने सारा दिन पानी नहीं पीना खाना नहीं खाना जब तक गुब आफ्ताब नहीं होता तो वो पूरा एक जहाद का सिस्टम चल रहा होता है सो so, जिंदगी में भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ चलती हैं हम बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अलग अलग तरह का जहाद कर रहे होते हैं सो so, हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं के जहाद के मायने जंग करना नहीं होते हैं जब बहुत आपको अंडर प्रेशर लाया जाए जब मुस्तकिल ही आपके सर पे पांव रख के आपको दबाने की कोशिश की जाए जैसे आज अगर मैं बात करूं जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं उनके साथ वहाँ पे जो कुछ हो रहा है जितनी तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं जितनी परेशानियाँ वो लोग देख रहे हैं तो उनका जहाद बिल्कुल अलग है लेकिन बेहतर ये होता है कि थ्रू रेफरेंसेस बात की जाए बेहतर ये होता है कि आप लोगों तक एक पूरी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जिसको ले हम बात आगे कर सकें तो हमारे साथ कराम होते हैं सोबत इल्म में हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत सारी अदीस कुरान पाक के हवाले या हमारे जो अम्बिया कराम गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी से कोई एक चीज़ अखस करके उसको सामने लाया जाए ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो ताकि हमें समझने में आसानी रहे तो आज का टॉपिक रहेगा जहाद लेकिन उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ होगा अक्सर मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है आ, क्या जी 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 आ, बिल्कुल मैं आ, इससे पहले आ जाएँ अक्सर आके बैठ जाए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जितने भी इस्पॉन्सर्स हैं उन सबका आ, हमारे स्पॉन्सर्स में फोटाइल है खालिद स्वीट्स है आ, पंजनत है बाय जे डॉट हरबियन है एट्रियम मॉल है और ओजी डेवलपर्स है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कोस है आ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारे तहफ़ भेजें और जो हमारे विनर्स होंगे जेर ज़बर और अपना क्या कहते हैं मुझे कुछ कहना है कि तो ओजी डेवलपर्स की तरफ से एल जाएगी उनको बाइक जाएगी लैपटॉप जाएगा और भी बहुत कुछ है सो थैंक यू ओजी डेवलपर्स एंड थैंक यू एवरी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सलामैक जी राह नेकी में आप सबको खुश आम और आज हमारे साथ नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं 2014 से एनडीएफ काम कर रहा है जी और डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, एमरजेंसी रिस्पांस, क्लाइमेट चेंज पावर्टी रिडक्शन और जेंडर मेन uh, पे ख़ास तौर से इस पे काम हो रहा है मेरे साथ डॉक्टर फायज़ा मसूद साहब मौजूद हैं डायरेक्टर पीडीएसए पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन और आबिद लाशारी साहब हैं प्रेसिडेंट एनडीएफ uh, आप दोनों को खुश आमदेद कहते uh, yes. yes. तो, हैं तो आ, वो ज्यादा काम कर रही है पी डी एस ए फ और एन डी ए काम कर रहा है जो डिसेबल बच्चे हैं सब पे मैंने उसमें आर्टिज़म के बच्चे भी हैं जिसमानी माजूर हैं हेरिंग एड वाले आते हैं अच्छा। हेरिंग स्पीच वाले आते हैं ब्लाइंड बच्चे आते हैं सब पे करते हैं मगर वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डिसेबिलिटी ठीक है ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई सिर्फ ओनली फोकस आना डाउन सिंड्रोम चल रहे हैं। अच्छा तो yes. so, क्या बात है जनाब क्या बात है सो so, माशाल्लाह से 2014 से अब तो माशाल्लाह 10 साल होने को है आप लोगों को जी। तो सफ़र ज़रा मुश्किल भी रहा होगा कठिन भी रहा होगा सो so, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी सर ये 2005 से बेसिकली हमने एक कितारा बनाया था नवाब शाह डिसबल फोरम के नाम से सफ़र अच्छा। स्टार्ट किया हमने तो वहाँ पर स्किल डिवलपमेंट का हम काम करते थे उसके साथ साथ जो दूसरे वन परसेंट कोटा है जाप का अफराक बाम माजूरी का उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने का बनाने का मकसद ये था कि मुझे बचपन में मजूरी हो गई वो छोटा बच्चा था घुटने पाव चलते चलते खेलते खेलते वहाँ पे आग का घड़ा था मेरे दोनों हाथ उसमें आ गए हाथ जब झुलस गए तो ये मुस्तकल मेरी माजूरी हो गई वक्त के हिसाब से अल्लाह इतनी सलाह दी कि मैं दो उंगलियाँ मेरी ये काम करती हैं और उसमें कलम पकड़ना मैं सीख गया मास्टर्स किया मैंने सोशालोजी में, सोशाल में और इंग्लिश लिटरेचर में उसके बाद ख्याल आया कि अगर मैं बहाल हो चुका हूँ तो ये रिहेबलीटेशन दूसरे बच्चों की होनी चाहिए तो इसलिए एक इदारा बना लिया 2005 में उसको हमने नेशनल लेवल का बनाया 2014 में नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम 2018 में ये खिदमत हमारी चलती रहीं 18 में एक इनिशियटिव हमने लिया कि जहनी माजूर जो बच्चे हैं आर्टिज़म डाउन सिंड्रोम एडीएचडी डी और सी पी ऐसे बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुकदान मौजूद है वहाँ पे तनजीमें इनको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास पाकिस्तान में न प्रोजेक्ट्स हैं प्रोग्राम चल रहे हैं सिर्फ चंद सेंटर हैं कराची में या इस्लामाबाद या लाहौर मगर पूरा हमारा गेप रूरल एरियाज़ के जो डिस्ट्रिक्स हैं इसी तरह मैं नवाबशाह से ताल्लुक़ रखता हूँ रूरल से नवाबशाह उसमें सेंटर पोजिशन में आता है सिंध में बीच में आता है उसके बहुत सारे ज़िले हमें लगते हैं तो वहाँ पे एक सेंटर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने हमें 2018 में एक प्रोजेक्ट दिया और एक साल का प्रोजेक्ट हमारा कामयाब रहा उसको हमने एक प्रोग्राम बना लिया ये 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे चार साल तक हमने उनको सपोर्ट किया इतने काबिल हो गए तो फिर हमने इस बच्चे इसी प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करके लाड़काना लेकर गए दो अच्छा। हज़ार में एक इन्होंने लाड़काना ने बना लिया अभी सौ बच्चे लाड़काना में सौ बच्चे नवाब शाह में तेईस में फिर हमें हुकूमत ने सपोर्ट की डी डिपार्टमेंट डी डिपार्टमेंट सिंधुकूमत का फिर हमने एक इदारा यहाँ पे कराची में बना लिया गुलस्तान जौहर में अब 300 से ज्यादा बच्चे जो री, अंडर रिहेबलीटेशन प्रोसेस में हमारे पास हम उनको फिजियोथेरापी साइकोथेरापी स्पी थेरापी ऑक्यूपेशन थेरापी रिहायश खाना पीना डाइपर्स वगैरह जो भी उनकी नीड्स होती हैं और मौसम के हिसाब से कई एयर कंडीशन रूम भी उनको दिया जाता है गर्म पानी जैसे होता है सिलसिला नीट के हवाले से ऐसे बच्चों को हम दे रहे ये ऐसे बच्चे थे जानवरों के तंबेलों में बंदे थे अगर नवाब शाह की बात बताऊँ पु लाड़काना की बताऊँ ये ऐसे बच्चों के पोस्चर भी अगर आप एक वीडियो हमने शायद आप लोगों से शेयर की थी देखाएंगे तो ऐसे बच्चे सिर्फ जानवरों के साथ बंदे बंदे अडाप्टेसन कर ली बच्चों का वो पोस्चर भी वो जानवरों वाला हो गया और उनको अब हमने मेहनत की अल्लाह का शुक्र वो बच्चे अभी इंसानों के साथ रहते हैं अभी तक उन पर काम करना ज़रूरी जरूरी भी है जारी भी है क्योंकि ये जो थेरापीज है ना सर चार दिन की बात नहीं है चार महीने की बात नहीं है ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है और माशा हम कर रहे हैं ये आ, मुझे समझ में नहीं आया ये जानवरों के साथ क्यों बांधते थे बच्चों के? जी हाँ बिल्कुल वो बच्ची लीना जब हमारे पास आई वो तकरीबन बारह या तेरह साल की थी और उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली वो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो दे डोंट नो, नो के बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए या ऑटिस्टिक थी नो शी वाज सेरेब्रल पाल्सी अच्छा हां शी वाज सीपी तो वो बच्ची जाहिर है उसने देखा अपना एनवायरनमेंट वो तो उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेगी ना तो उसके पेरेंट्स का कहना था ये कि बहुत ज़्यादा शाउट करती है बहुत ज़्यादा स्क्रीम करती है मारती है लोगों को इस तरह से लोगों को तंग करती है तो उसको ले जाके भैंसों के साथ बांध दिया गया आप यकीन करें उस बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि वो भैंसों की तरह ही खाती थी उसी की तरह वो सोती yes. थी उसी की तरह वो उसका फ़ेस मतलब उसका माउथ जुगाली जैसे भैंस कर रही होती है लिटरली उसकी तरह वो हर वक्त उसका मुंह चल रहा होता था बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑबियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जब वो हमारे पास इन uh, हुई तो उसके बाद उस बच्ची के ऊपर काम किया गया तो अलहमदिल्ला शी इज़ एबल टू कैरी आउट हर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एटलीस्ट वो उस uh, uh, के तबेले से निकल के एक नॉर्मल इंसान की तरह एक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है उसने। अच्छा कुछ भी हमारे पास मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले आप लोगों को दिखाया जाए ताकि आप जब खुद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं आई डबल वन एट सेवन सिक्स जी हाँ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक सॉरी आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो हम भी बार बार इसीलिए यहाँ पे इनके अकाउंट्स चला रहे हैं बैंक डिटेल्स चला रहे हैं ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें सपोर्ट करें और बड़ा चैलेंज है ये यकीन करें एन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये ले चल रहे हैं इट्स नॉट ईजी बिकॉज सबसे ज़्यादा होता ही है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं इन यंगर एज पता लग जाता है उनके बारे में कि इनको डाउन सिंड्रोम है लेकिन सीपी और जो ऑटिस्टिक होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज़ वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं हर दूसरा बच्चा आ, जो है वो बचपने में मस्तियाँ भी करता है गुस्सा भी करता है अपना क्या कहते हैं कभी कभी उसके मूड पे डिपेंड करता है लेकिन ऑटिस्टिक चीज़ को अंडरस्टैंड करना आ, वो बड़ा ज़रूरी होता है तो उन, उसको एनालाइज़ भी करना है उसको समझना भी है सुहाज़त so, इस पर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से इनको पता चलेगा कि इनके बच्चे जो हैं वो उस तरफ हैं ऑटिज़म की तरफ जी कुछ ऐसी आदत होती हैं जिससे हमें है पता चलता है ये बच्चे अक्सर हम उर्दू में कह सकते हैं ये खुद फिक्री के बचाम होते हैं ये अपनी मौज में रहते हैं और हम कह सकते हैं कि अपने घर के बादशाह जैसे मना ये किसी को अटेंशन नहीं देते और चीज़ें को तोड़ना चीज़ों को खोलना फिर जोड़ना इन चक्रों में मगर ये उस हिसाब से इनको बेचैनी होती है ताकि वो कहीं पे अटेंशन हमें नहीं देंगे हमारा हमारा कहना नहीं मानते ना माँ तंग हो जाती है बाप तंग हो जाता है कि यार ये तो हमें अटेंशन नहीं देता मेरी चीज़ मानते ही नहीं है ना स्कूल की तरफ रागे होता है ये डायग्नोज होता है कुछ एक हमारे टेस्टें हैं वहाँ से पता चलता थे, चलता है कि बच्चा आर्टिज़म में आता है फिर इसकी हमारे पास कुछ थेरापीज़ हैं जैसे साइको हो गई उसके साथ ऑक्यूपेशन थेरापी हो गई कुछ ऐसी चीज़ों में हम इनको इंगेज करते हैं ताकि इनकी जो शिद्दत है उसको हम लेवल पर लेकर आए कुछ ऐसे बच्चे बिल्कुल खामोश होते हैं वो एक्टिव उनको करना पड़ता है तो दोनों कंडीशनों में हमें इनको बराबर इसमें मुनासिब उस लेंथ में लाया ले, लेके आना है ताकि बच्चा हमें और रिस्पॉन्स ज़्यादातर चैलेंजेस आप लोगों को किन इलाकों में हुए शहर में हुए या जो जैसे ये बता रहे हैं कि जो हमारे छोटे शहर हैं वहाँ पर बिल्कुल जो देहात तो रूरल एरियाज़ हैं ओबियसली वहाँ पे क्योंकि लोगों के पास एक तो फर्स्ट तो ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस नहीं है बहुत से मिथ्स एंड बहुत से मिसकॉन्सैप्शन हैं डिसेबिलिटी को लेके इन बच्चों को पीर फ़कीर बना के इनसे दुआएं की जाती हैं या तो फिर इन पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि भाई ये तो एक कर्स है ये तो आप लोगों के अमाल का नतीजा है जिसकी वजह से उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये अब इस बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता बट सही टाइम पे अगर सही इंटरवेंशनस कर ली जाएँ तो इन बच्चों को हम काफ़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं रूरल uh, ओबली जो आपको पता है कि अगर लोगों के पास नॉलेज नहीं है और प्लस रिसोर्स नहीं है कराची जैसे शहर में बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं और रिसोर्स भी हैं बट बात वही कि पेरेंट्स भी एक डिनाइल फेज़ में एट टाइम्स रह रहे होते हैं पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं nah, हमारा बच्चा तो नॉर्मल है हाँ शरारती है शायद थोड़ा सा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा या कोई थेरेपी लेके शायद वो सही हो जाएगा लेकिन दिस इज समथिंग दैट दैट इज वेरी मच अलार्मिंग फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज्म को ही ले लें तो आप यकीन करें हमारे सेंटर में डाउन सिंड्रोम के बच्चे शायद इतने इनरोल्ड नहीं होंगे जितने ऑटिज्म है इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन हर दस में से आठ बच्चे हमारे पास ऑटिज्म के साथ आ रहे हैं yes. ये जो स्क्रीन टाइम हम बच्चों को दे देते हैं बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या एक्सरसाइजी खासतौर पर जो कोविड का पीरियड था उन बच वो उस टाइम पीरियड ने इन बच्चों के ऊपर बहुत ही मुजर असर क्रिएट किए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो जहाँ रिसोर्स की कमी है वहाँ नॉलेज की भी कमी है एक्सेप्टेंस की भी कमी है अगर एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाए और हमारे लोगों में आ जाए तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती आप जाते हैं गाँव गाँव शहर शहर लोगों को समझाने और इस तरह के प्रोग्राम्स भी करते हैं आप लोग के लोगों को पता चले कि वो अपने बच्चों को लेकर आएँ और असिस्ट करवाएँ वहाँ पर आके सर कम्युनिटी सेशन हम वहाँ पे करते हैं रेडियो पे प्रोग्राम हो गया टीवी चैनल तो हमारे पास नहीं है नवाब शाह वो लाड़का नाम है अखबारों के ज़रिए हम मालूमत पहुँचाने का कोई जरिया हम करते हैं ज़रूर अबलाक है। के ज़रिए ना तो उसमें यह है कि आपको पता है कि हमारा रूरल एरिया में डायग्नोज नहीं होता जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको पता नहीं कि डाउन सिंड्रोम है क्या शक्ल से तो पता चल जाता है इसका फ्यूचर क्या है इसको आगे कहाँ से लेके जाना है और ये 2018 के बाद आ, हमारी फैसिलिटी सिर्फ नवाबशाह में थी उससे पहले कराची वाज़ द ओनली सिटी इन सिंध प्राविंस जिसके पास ये फैसिलिटी थी रिहेबलीटेशन की और वहाँ से हमारा बच्चा सात आठ घंटे सफ़र करके बीस मिनट की थेरापी के लिए कराची आना बड़ा मुश्किल था अभी उनको यह है कि लाड़काना में फैसिलिटी बन गई और वहाँ बन गई वहाँ पे बच्चा अर्ली डायग्नोज हो जाता है अर्ली जो डायग्नोज होता है अर्ली होती है। अभी अल्लाह बच्चों बच्चों कह सकते हैं मिल चुके। और सर, एक रुपया चार्ज नहीं करते कराची हो वा, वा। या रूरल हो क्यों लो, ये लॉन्ग लास्टिंग देखे कहते हैं ना प्रो लॉन्ग प्रोसेस लंबे अरसे तक चलना है इसे हम पांच सौ रुपए भी रखें ना फीस सर हम करोड़ों कमाएंगे बिल्कुल क्योंकि एक बच्चे को दस साल के लिए थेरापी चाहिए और ये हमारी माँ जो है या बाप हैं पेरेंट हजरा थक जाएंगे और ये भी मैं बताऊँ कराची में हमारे जो अभी पेरेंट्स आते हैं कि भाई तीन तीन महीने तक हम गेप कर देते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हाँ। थे ये जो नागा है ना रिहेबिलिटेशन में ये हो गया तो पिछली जो भी मेहनत हमने की वो सर ज़ीरो हो जाती है इसी तरह हमें जो कोरोना हुआ था उन दिनों में हमें बड़ा नुकसान हुआ था हमने पूरी मेहनत की बच्चों पे सारा कुछ हुआ एक साल हमारे सेंटर बंद हो गया बिल्कुल सारी हमारी मेहनत चली गई पेरेंट्स के बाद पैसे ना होने की वजह से नागा कर देते हैं फिर बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचता दूसरी बात सर रिहेबिलिटेशन समझना आसान बात नहीं है लोगों को दवाई की थैली चाहिए और टीका लगे मेडिसिन तब नहीं मिलती तो कहते हैं हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा ये थेरापीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं नमलब इलाज का इसको समझने के लिए भी हमें कोई जहन चाहिए मोटिवेशन चाहिए साइकोथेरापिस्ट हमारे हैं हम मोबलईजेशन के सेशन करते हैं पेरेंट के साथ भाई आपके बच्चे का इलाज सिर्फ रिहेबिलिटेशन में माधुरी का कोई इलाज नहीं है माजूरी ख़त्म हम नहीं करने आए हम रिहेबिलटेशन के जरिए आपके बच्चे को मैनेज करना चाहते हैं उसके हवाले से फिर बच्चे मोटिवेट होते हैं और हमारे बच्चे जी बिल्कुल अल्लाह पाक फिर। आपको इसका अजर दे जी ये देखिए मैं जो बात कर रहा था ना जहाद वाली ये भी जहाद है यस yes. ये भी जहाद का ही एक हिस्सा है जो ये दिन रात कर रहे हैं आप कोई मैसेज लोगों को कहना चाहें आप दोनों को मैं कहूँगा बिकॉज टाइम फिर हमें आगे भी बिल्कुल पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन इट्स फंडेड बाय गवर्नमेंट तो हम चाहेंगे कि ये कराची में एक ऐसा इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपीज प्रोवाइड कर रहा है कराची में अगर आप किसी भी सेंटर में जाएँ थेरेपी से स्टार्ट फ्राम वन थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड ठीक है एक कामन uh, आदमी एक गरीब इंसान जो शायद दो वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है जो इन बच्चों की बहाली के लिए काम कर रहा है तो आप आइए हमारे इदारे को विज़िट कीजिए और ये फ्री जो फैसिलिटीज़ हैं आप अवेल कर सकते हैं जी बिल्कुल और सपोर्ट भी कीजिए एज मच एज यू कैन बिकॉज ये बच्चे देखें ये थेरेपी के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को खास तौर से जो ऑटिज़म के बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम के भी जो बच्चे हैं मैंने देखा है उनको वो ज़िंदगी में आगे बहुत काम कर रहे होते हैं सो yes. so, उनकी सपोर्ट बनते हैं अपने माँ बाप की सपोर्ट बनते हैं फैमिली को सपोर्ट करते हैं सो ऑल दे नीड इज़ थेरेपी दैट इज़ इट सो सपोर्ट करें एन uh, डी को एज मच एज यू कैन थैंक यू सर आप आपका बहुत शुक्रिया आपका सर हम आपका बहुत शुक्रिया हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ से जी दीन और दुनिया और साथ में मजेदार अवतार दोनों यहाँ पे चल रही अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप तो ठीक आज क्या बना रही आप हैं? आज हम हैं बना रहे हैं नॉर्थ नूडल्स का एल्फ्रेडो सॉस के साथ बना रहे एक पास्ता एक नूडल्स के साथ वो बना रहे और फैसल आज मैं एक बात बता दूं हमारे पास सही नॉर का हेलमेंट्स ये है बिल्कुल रेस्टोरेंट का सीक्रेट हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग कहते हैं ये कौन सा टेस्ट आ रहा है म्यूनीजन का बर्गर्स इनके सैंडविचेस जैसे रेस्टोरेंट का टेस्ट आता है तो वो आप घर में ला सकते हैं हेलमेंट यूज़ करके क्योंकि सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो बर्गर सैंडविचेज सैलड्स में होता है और तो वही आपको घर में मिल जाएगा इस हेलमेंट म्यूनिस के साथ

Uh, कि अब uh, बड़े बड़े हमारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन भी एजुकेशन दे रहे हैं uh, लेकिन उसके साथ जो आज हमारा टॉपिक है कि बहुत सारा टैलेंट बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं uh, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और वो बाहर जाके वही खदमात जो उनको अपने मुल्क में देनी चाहिए वो बाहर जाके दे रहे हैं और इसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो इट्स कॉल्ड ब्रेन ब्रेन ड्रेन ड्रेन सो इज द रीजन बिहाइंड ब्रेन ड्रेन ये मेरे नज़दीक इतना बड़ा एक एरिया है ना कि अगर इस पर हम बात करना शुरू करें तो यहाँ डिनर कराना पड़ेगा लोगों को ये इतना बड़ा एरिया है यानी अच्छा। इस पर इतनी डिस्कशन है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं अगर मैं इसकी लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स पे बात करूँ ना लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म में क्यों लोग जाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे हैं कि ऐसी बहुत सारी क्वालिफिकेशन हैं जो यहाँ ऑफर ही नहीं होती यानी अब अगर आप दुनिया को देखें ना तो दुनिया इस तरह चेंज हो रही है हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान को स्टडी करें तो एक इंजीनियरिंग ऑफर हो रही होती है एक मेडिकल ऑफ़र हो रहा होता है डॉक्टर ऑफर हो रहा होता है और कुछ चार्ड अकाउंटेंसी ये दो तीन चार चीज़ों का बस वो है जबकि दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है इतनी नई क्वालिफिकेशन आ रही है जैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज़ अगर आपने स्टडी भी आपने भी डेफ़िनटली की होगी इस वक्त यू एस वगैरह में जो वीड वगैरह है और ये क्या कहते हैं भंग जिसे बोलते हैं ये इंडस्ट्री इन्होंने लीगलाइज़ कर दी है अब आपको पता है ये करंटली इंडस्ट्री, तो 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 इंडस्ट्री हो जाएगी अब जरा सोचें इस इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स क्रिएट हो गई लीगलाइज क्यों कर रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे रीजन है एक रीजन तो ये है कि पहले इनकी जो पुलिस होती थी ना वो पहले इन्हीं लोगों को पकड़ती रहती थी अब वो रियल क्रिमिनल्स को एक नंबर टू य है कि इसके ज़रिए जितना टूरिस्ट इनके पास आता है वो सब उनको भी अयाशी चाहिए टूरिज्म को टूरिस्ट को तो इस वजह से उन्होंने लीगलाइज़ करी और अपने टूरिज्म को कितना बढ़ा दिया तो अब इस इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स आ रही हैं बाकायदा यू की यूनिवर्सिटीज़ इस पर मास्टर्स ऑफर कर रही हैं अच्छा और सुने अमेजोन दो के बाद 2021 से पहले अगर आपके किसी मेडिसिन में ये वीड वगैरह होती थी ना तो उसको रिजेक्ट करता था वो भी रिजेक्ट नहीं कर रहा न्यूयॉर्क में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप ऑफ वर्किंग आवर्स में यानी आपके जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से हटकर अगर आप इस तरह की कोई वीट वगैरह ले रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता मैक्सिको में दो के बाद आप अपने घर पर उसका पौधा उगा सकते हैं तो दुनिया इसी तरह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है फुटबॉल एसोसिएशन जो यूएस की है वो भी अब ड्रग टेस्ट के अंदर वीट टेस्ट नहीं ले रही अच्छा। तो दुनिया इतनी चेंज हो रही है नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं इसी तरह आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं अब गेमिंग के ऊपर बाकायदा मास्टर्स हो रहा है बाकायदा वेडिंग मैनेजमेंट के ऊपर मास्टर तो है अभी आपने एक बहुत बड़ी शादी देखी है जी। तो यानी आप ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है अच्छा हमने तो वो बड़े बहुत बड़े लेवल की वो तो शादी थी लेकिन आप जरा सोचे ना दुनिया भर में अलग अलग लेवल के सेट हैं तो सब अपने अपने लेवल की शादियां कर रहे हैं तो अगर आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आपका तो पूरा साल गुजर जाएगा यार साल क्या कई साल गुजर जाएंगे इतनी कमाई है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में ऑफर ही नहीं होती तो इस वजह से स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं ये तो एक रीजन हो गई अब अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं जो हमने पिछले तीन साल में देखा कि जो डिफॉल्ट की आवाज आ गई थी और करेंसी हमारे सामने 150 से डॉलर 300 का सफर तो हमने खुद देखा है बल्कि ओपन मार्केट में 330 340 तक का भी टच हुआ बिल्कुं। तो उसमें आपने देखा कि एक हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है मेजोरिटी चीजें यहाँ तक कि हमारी खाने पीने की चीज़ें भी इंपोर्ट बेस्ड हैं तो जब डॉलर डेढ़ सौ से तीन सौ हुआ तो हर चीज महंगाई महंगी हो गई लेकिन हमारे इनकम लेवल्स उस हिसाब से नहीं बढ़े

कुछ लेवल की जॉब्स भी नहीं है जैसे हमारे यहाँ एक प्रोफेशन में हमारे यहाँ एक चीज़ एक अमेरिका की क्वालिफिकेशन है सी तो सी में जब बच्चा सी करता है ना तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स वगैरह ज्वाइन करनी होती है मैं आसान लफ्ज़ों में ऑडियंस को समझाता हूँ यानी एक इदारा अगर दूसरे इदारे को चलता हुआ ख़रीदना चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिज़नेस को चलता हुआ खरीदना चाहे तो उससे पहले उस बिजनेस को चेक करते हैं हम कि इस बिजनेस के कैश फ्लोस क्या है फ्यूचर क्या है किस प्राइस में ख़रीदना चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली जॉब्स भी पाकिस्तान में बहुत कम है क्योंकि बड़ी कंपनीज ही नहीं है इसी तरह मल्टानेशनल्स का आने के बजाय यानी उसूलन तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टर्स आएँ उल्टा आपने देखा कि हमारे यहाँ से कंपनीज एग्जिट हो रही हैं तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिट हो रही हैं तो डेफिनेटली उस वजह से भी कितनी जॉब्स कट डाउन हो रही है तो रीजन ये ना यार लोगों के अंदर बाइंग पावर कम होती जा रही है हम पिछले दिनों जब फाइट कर रहे थे कुछ चीज़ों पर जी आप जो इम्पोर्टेड इस तरह के आइटम हैं उनका बाइकआउट करें ये करें तो हमने उसके रिजल्ट में क्या चीज़ देखी जो हमारा लोकल आइटम था वो महंगा हो गया जी तो हम इस बात पे हैरान हो गए कि भाई आपको लोकल आइटम सस्ता करना चाहिए ना आप लोकल चीज़ें सस्ती करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें ठीक है आपने उल्टे उसके ऊपर दो दो सौ तीन तीन सौ रुपये बढ़ा दिए यानी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप कस्टमर को अपना आदि बना आदि बना बहुत बड़ी और कुछ लोगों ने कैश भी की है कुछ लोगों कुछ ने कुछ लोगों ने किया अभी अगर मैं इस वक्त की भी बात करता हूँ आप अगर देखते हैं तो बहुत कुछ कम लोग हैं जिन्होंने सेल्स के ऊपर चीज़ें अपनी डाली हैं अदरवाइज चीज़ें उसी तरह से महंगी हुई हुई हैं खैर ये आप जो बात कर रहे हैं ये मुझे समझ आती है बिकॉज़ दुनिया में इस तरह से काम हो रहा है और अगर आपने वीट की बात की तो उसमें से जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको हम सी बी टी ऑयल कहते हैं वो एक फिनल जिसे कहते हैं कि डिस्कवरी है सी बी टी ऑयल जो है जो कि इसी तरह से इससे बनता है और उसमें लोगों को मेरिकल रिजल्ट आए उनके जो जिसमानी तौर पे जो प्रॉब्लम्स थी उसमें और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ But anyway, advantages क्या है उससे बट एनी वे एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेन मैं आपको के? पहले इसके वो ब्रेन ड्रेन के जो रीज़न्स है ना वो कुछ हाँ? और भी रह गए हैं तो उसकी कवर फिर आपको एडवांटेज एक साथ बताता हूँ अच्छा देखें इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है ये भी आप माने इसको यानी चीज़ों में आपको पता है ब्यूरोसी बहुत है ये करो ये करो ये करो अभी रिसेंटली मेरे किसी जानने वाले का एक बेचारे का बच्चे का मोबाइल छिन गया अच्छा क्राइम रेट अलग है वो लेकिन वो कराची वाली साइड पे है दूसरी साइड पे कम है मोबाइल छीन गया तो वो बच्चा अपना उसका मोबाइल और आईडी कार्ड वगैरह सब गया तो वो अपना आईडी कार्ड बनाने नादरा गया और उस बच्चे के स्किन में कोई इशू था यानी स्किन की कोई एलर्जी थी या कुछ था हाँ। तो उसकी थम प्रिंट नहीं लग रही थी अब नादरा ने उसको कहा आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे सर्टिफिकेट बनाएं तो बेचारा पाँच हॉस्पिटल्स गया इतना यानी आप जरा देखें कितना उसको टाइम लग रहा है पाँच सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया बोला ये रिस्की है, हम नहीं कर सकते फिर एक हॉस्पिटल में उस बेचारे ने पैसे खिलाए और फिर उसका हुआ फिर नादरा आया आईडी कार्ड रिकवर हुआ अब सिम लेने गया सिम सिम चली गई थी तो सिम अब्बा के नाम पे थी जरा सुने तो उन्होंने बोला भाई आपके अब्बा के नाम पर तो आप चले अपनी थम प्रिंट करें इसने का थम प्रिंट मेरा मसला है तो बोला हम तो नादरा की वेरीफिकेशन को भी नहीं मानेंगे बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे अब एक काम कर लें हैंड में ये अल्फाज बोल दिए उस सिम जो कंपनी थी बोला आप एक काम कर लें किसी और के आईडी कार्ड पे कोई नई सिम इशू करा लें ये वो इतना डिसार्ट हुआ फिर वो बैंक गया उसको अपने कार्ड्स ब्लॉक वगैरह कराने थे तो उसके लिए भी इसका मोबाइल ही नहीं था अपना कि मोबाइल नंबर से कुछ वेरीफिकेशन कोड जो आते हैं तो उन्होंने उसको बेचारों को इतनी बैंक भेजा और फिर एंड में उसको बोला आपका तो इस्लामिक अकाउंट है आपको इस्लामिक जाना है तो यहाँ ये यह मसला है कि आपको पता है कि एक सिस्टम का बहुत बड़ी वीकनेस है सिस्टम की वीकनेस यहाँ बहुत बड़ी है और ऐसे रूटीन किससे आपके सामने मिलते हैं फिर जो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा मल्टानेशनल्स क्यों जा रही है एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है सेकंड रीज़न ये यहाँ लोगों के राइट्स का बहुत इशू है यानी अगर आज मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की हुई है कोई चीज़ मेरी है ये मुझे प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि मेरी है अब मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं है उनके ओनर ने एक सेशन किया था मैं वो सेशन अटेंड कर रहा था तो वो पैरासिटामॉल की एक गोली होती है बड़ी मशहूर है और वो गांव वगैरह में बहुत चलती है और उस गोली के ऊपर शेयर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं शेर वाली गोली तो उन्होंने कहा कि बोला हमारी वो बड़ी जैन किस्म की टैबलेट थी और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा था उससे तो बोला लोगों ने वहाँ के जो हमारे कॉम्पिटेटर थे जो लोकल लोग यानी जो उन्होंने बोला एक और शेर वाली गोली बनाई और उसका नामा पैरसिटामॉ पेरेसेंट, नहीं रखा और सारे दुकानदारों को ख़रीद लिया अब जो गांव देहात वाले उनको अंदर तो बेचारों में इतनी अकल नहीं है वो आके यूँ बोलते थे शेर वाली गोली देना दूसरी टैबलेट दी जा रही थी तो बोला हमारे बिजनेस को इतना इफेक्ट हुआ जाली बन रही थी जाली बन रही थी और वो उनके सामने हो रहा है यानी ये डंके की चोट पे काम हो रहा है और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि नाम उन्होंने वो नहीं रखा हुआ तो ऐसे बहुत सारे मसले राइट्स का बहुत इशू है इसी तरह मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक गोरे ने एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ इन मुल्कों में मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि एक बंदे से उसने इंटरव्यू लिया गाँव के कि तुम जिस ज़मीन पर खड़े हो ये किसकी ज़मीन है तो उसने बोला ये मेरी ज़मीन है तो बोला क्या क्या लॉजिक है बोला बस मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ इसलिए मेरी जमीन है और मेरे माँ बाप ने भी यहाँ खेती बाड़ी की थी इसलिए यानी लोगों के यहाँ टाइटल का लीगल डॉक्यूमेंट का तस्वर भी नहीं है कुछ जगहों पर तो सोचें ऐसी जगहों पर कितना मुश्किल है अच्छा एक और रिसेंटली मेरे अपने दोस्त का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ आप फैसल भाई आपने जितनी भी प्रॉपर्टी जब भी बाय की है यहाँ प्रॉपर्टी बाय करने की आपने जरा वो लाइनें देखी क्या होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस सुने लेटेस्ट से आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो जो पहले किसी और की थी आपके पास आई फिर आप मुझे बेचने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो उसकी फाइल बढ़ती जाती है देखा ना फाइल लगती जाती है प्रीवियस ओनर की फ़ाइल अलग है फिर नए ओनर की अलग है और आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो अपनी वो कराने थम प्रिंट तो रजिस्ट्रार आपको क्या बोलते तो अब तीन महीने बाद आपको फाइल मिलेगी और अगर, अगर अर्जेंट चाहिए ना तो डेढ़ महीने में मिलेगी उसके पैसे अलग दो यानी उस वक्त आपके हाथ में आपका रियल डॉक्यूमेंट भी नहीं आता वो उनके ऑफिस में पता नहीं क्या होता है पकता है खिचड़ी पकती है अब वो साहब घर आ गए मेरा दोस्त और उसका डॉक्यूमेंट नहीं था फिर डॉक्यूमेंट डेढ़ महीने बाद आया लेकिन उसके बच्चे ने कहीं रख दिया वो डॉक्यूमेंट और वो लोग सब भूल गए अब दो साल बाद उन्होंने उन्हें अचानक से कोई वीज़ा अप्लाई करना था तो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर सही होती है कुछ वीजाज़ में तो उसने कहा मेरी तो फाइल ही गायब है तो वो लॉयर के पास जा रहा है लॉयर कह रहा है चलो मैं एक काम करता हूँ मैं इसकी बी कॉपी निकलवाता हूँ यानी अगर आपकी अगर ओरिजिनल फाइल गुम हो जाए तो उसकी बी कॉपी निकलती है और बी कॉपी निकलते ही प्रॉपर्टी की वैल्यू दस पंद्रह परसेंट धार्ड नीचे आ गई आप सोचें अगर आपका दस करोड़ का घर है ना तो एक करोड़ रुपये आपने उसी वक्त लूज़ कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइल लेकिन आप जरा सुने दुबई में क्या होता है दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज जस्ट टेन मिनट्स टेन मिनट्स आप जाते हो टेन पेज आता है बस खत्म अगर वो पेज गुम भी हो जाए तो आपके पास में दोबारा निकलवा लो इसका प्रॉपर्टी की वैल्यू से कोई लिंक नहीं है तो आप सोचें ये सारी जो हरकतें हो रही है ना असल तो ये ये डॉक्यूमेंट ये सारी हरकतें पैसे बनाने के लिए नहीं इसमें बहुत सारे लोगों के पेट जुड़े हुए हैं कि जब जितना टाइम डिले होगा जितनी फाइल में ये पेज वो पेज फिर जी आपका ये पेज गायब है आपको इतने हजार रुपए और देने होंगे इस पेज के लिए तो ये पूरी ये पूरा एक गेम चल रही है जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है ब्रेन ड्रेन की मुस्तफ़ा हम इन आने वाले वीक में फिर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तो हिला दिया मुस्तफ़ा ने यार ये तो हिला के जा रहा है बट थैंक यू सो मच वंस अगैन और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं फिर प्यारे प्यारे बच्चों से बात करते हैं थैंक यू अरे आइए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक मुझे कह रही बोले वापस आ गए ब्रेक से मुझे कब से समझा रही थी ये जी जगह बनाए वालेकुम आप सबको मैं वेलकम करता हूँ माशाल्लाह इतने बड़े सोफे पे इतनी सी चीज एक रखी हुई है <laughs> जी आपका नाम क्या भाई? अबान। है भाई अबान। हैं अबान भाई कैसे हैं आप जी आपने बना लिया एल्फ्रेडो बे वकू का मैजिक सॉल्यूशन वाह तैयार है वा, वा, वा। नॉर वालों का कैसे बनाया कैसे बनाया मैंने दूध लिया था इसमें उसका मैंने थोड़ा सा व्हाइट बनाया मैदा डाल के फिर मैंने उसमें मेस पाउडर डाला ठीक है शिमला मिर्च डाली चीज डाला चीज डाली उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाला सॉल्ट डाला तो वन टी स्पून चिकन पाउडर हमने थे ये हमने इसमें कर चिकन कर कर और ये आपका चिकन एल रेडी हो गया जबरदस्त क्या बात है जी अभी हमारे कराम खाएंगे तो बताएंगे तो कैसा बना है ठीक <laughs> है थैंक यू सो मच अबान भाई क्या सुना रहे हैं आप हमें अरे माशाल्लाह सुनाइए مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما من أبدا على غبي بك خير الخلق بي محمد سيد الكونين واسق عليك محمد سيد الكونين واسق علي आ आजामिया मोहम्मद कौन सर वरे कौन दिल्ली सुहतरे दिल अरबोज आप हैं हजरत मोहम्मद हर दो सदा आप हैं अरबो जब जन्नो बशर के पेशवा तू जहाँ दाए सरवर ओ मोहम्मद महातरम महातरम मौला या सल्लिवा सल्लिबदाय मन आबादन अल्लाह हबीबी का ख़य़र ख़लकी कुल ली ही या यारबी बिल मुस्तफा फलगमा को सीज़नाए सुबान अल्लाह सुबान अल्लाह क्या बात है क्या बात है खुश रहो बहुत अच्छा पड़ा है बहुत अच्छा जबरदस्त जी आपका क्या नाम है भाई माइक ले लें हमारा नाम मोहम्मद उमर है हमारा कौन आप और आपके पेड़ के कीड़े और कौन है भाई साथ में हमारा, हमारा भाई और मेरे अबू है अब कौन से है वहाँ है अच्छा तो आपका नाम उमर है भाई का है भाई। ये भाई है आपका नहीं यार बाकी तो अलग अलग क्यों बैठे हुए माशाल्लाह। उमर भाई क्या सुना रहे है? आपका तो हमारा में आपका नाम तो उमर आ गया तो भाई का नाम क्या है भाई का नाम मोहम्मद मोहम्मद हसन है मोहम्मद हसन है माशाल्लाह। माशाल्लाह आप कुछ सुना रहे हैं हमें हसन भाई कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं है? حسن بھائی شرمائے جا رہے ہیں بس الحمدللہ شریف نہیں ہے ايه؟ آه سناؤ نا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين

बेलाबत तैयब तैयब बाबा ला इलाहा इल्लहु असला अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह 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 लाइए ला माइक दीजिए जल्दी से यहाँ से शुरू करेंगे आपका नाम क्या है इलाफ हैं इलाफ इलाफ कैसी हैं आप माशाल्लाह तो इतनी भारी आवाज निकली है इतनी सी बच्ची में से इलाफ आप क्या सुना रही हैं हमें नात नात सुना रही हैं सुनाइए हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर किला केला में इलाही दिया जिसने लाकर केला में दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल फूल खेलते हैं पर पर सल्ले अला फूल खिलते हैं पर पर केसल्ले अला चूम कर कह रही है ये बात है सबा अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह क्या बात है जी हाँ वाले सलाम बाजी कैसी हैं आप ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ बहन क्या चल रहा है आजकल कुछ नहीं अच्छा मुझे आपसे एक मैथ्स की मैजिक ट्रिक करनी है मैथ्स और मुझसे बहुत इजी है प्लस माइनस मैथ्स और मुझसे <laughs> अच्छा हाँ अच्छा आप अपने माइंड में वन टिल टेन कोई नंबर सोचे लेकिन आपने वो नंबर मुझे नहीं बताना सोच लिया ठीक है अब उसमें सिक्स एड करें कर दिया। अब उसमें से थ्री माइनस करें। अरे क्या कर रही हो वो भी कर दिया अब जो आपके पास नंबर आया माइनस करने पे और जो आपने नंबर सबसे पहले चूज किया था उन दोनों को आपस में माइनस करें। कर दिया माइनस करूं जी माइनस अच्छा ठीक है हो गया आपका आंसर थ्री होगा अरे <laughs> तो पता मैंने सिक्स सोचा था ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन हाँ ठीक तो हाँ? है अब नाइन में से आपने सिक्स माइनस की तो थ्री हाँ हैं ओए ओए अच्छा ये तो कमाल हो गया कमाल हो गया भाई ये तो जबरदस्त है क्या बात है क्या बात है आप अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम आप इतनी प्यारी क्यों हैं जब मैं प्यारी बातें करती तो खुद प्यारी मैं अल्लाह सद के जाऊं मैं आपके अच्छा आप क्या सुना रही हैं या कुछ पूछ उनका नाम था अच्छा। अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी पावर्स भी थी थी। ठीक है? फिर वो एक में सफर करते थे ठीक है? थे वो ऐसे लोगों से मिले कि वो बहुत परेशान थे उन्होंने कहा कि एक कौम है आजूम मजूज और वो हमारी चीज़ें खराब कर देती है हमारी क्रॉप्स ख़राब कर देती है सब कुछ हमारी चीज़ें को मार देती है हमारे जानवरों को खा जाती है सब खराब कर देती है क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा अब मुझे थोड़ी सी आयरन की शीट्स लगा उन्होंने उन आयरन की शीट्स को ला के पिघलाया फिर एक बड़ी सी दीवार बना दी उन्होंने कहा जब मेरे अल्लाह के वादा सच्चा होगा तो फिर याजूर जायूर इस दीवार को तोड़ कर आ जाएंगे फिर आज भी वो दीवार वो चाट रहे हैं फिर उन्होंने कहा जब शाम हो गई उन्होंने कहा यार अब तुम थक गए अब इंशाल्लाह हम कल आएंगे फिर उन्होंने क्या किया एक बार आ, एक बार आया जब कयामत वाले दिन वो लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा उन्होंने कहा यौर तुम थक गए अब इंशाल्लाह हम आएंगे फिर जब जब वो एक दुनिया आएंगे तो फिर दीवार पूरी खुली हुई होगी चाटेंगे चाटेंगे फिर दीवार खुल जाएगी अब वो तो आ जाएंगे दुनिया में लोगों को मारेंगे दुनिया सारी दुनिया में हंगामा करेंगे उनके जानवरों को मार देंगे एक सवाल है बाकी पास। बाकी टू भी कंटिन्यू कर लें सवाल है मेरे पास जल, जल्दी पूछें मैं कह रही हूँ आपको ज़ुलकरनैन का मतलब पता है ज़ुलकरनैन का मतलब बादशाह को कहते हैं ना हाँ बादशाह थे ना वो हाँ उनका आ, मतलब, मतलब बताऊं मैं दो सिंगों वाला ज़ुलकरनैन दो सिंगों वाला हां ओके जी आप क्या सुना रही हैं मैं अच्छा फैसले भाई अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूं अच्छा मैं बोलूं आपको रोकी दिखाना है ठीक है और गुस्सा हो के दिखाना है और नाराश की दिखाना है और साथ में उदास होकर दिखाना है और साथ में आपको और आपको नींद का मूड बना के दिखाना है और साथ में आपको और और साथ में आपको ना आपको गुस्सा होके दिखाना है ये सारे एपिसोड मैं साथ ही चला दूँ हाँ अरे यार पहले क्या करना है पहले रोक के दिखाए <laughs> <laughs> अब 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 क्या क्या करना है? गुस्सा आप नींद में हो तुम कर लो भाई अब क्या करना है अब के दिखाएं हलो, हलो, हलो। क्या बात कर रही हो तुम? छोड़ो तो यार कोई फायदा नहीं किसी भी चीज और साथ में और अब आप साथ में बहुत गुस्सा होके देखा बहुत गुस्सा गला बैठ जाएगा ज्यादा गुस्सा नहीं करा भाई कितनी देर रह गई है यार ठीक है अब अब हंस के भी अब हंस के तुम दिखाओ नहीं अब आप और, और अब आप इस साइड से खो के एक्साइटेड <laughs> आज, आज गिफ्ट किसे मिलेगा <laughs> <laughs> हो गया अच्छा, अब, अब मेरी है। अच्छा, ने ने भाई, हाँ कौन की पहले पहले मैं बोलूंगा ना पहले रोके दिखाए रो सामने कैमरा आपका कैमरा वो रहा कैमरा मैन फोकस करें हाँ, आप, अब हाँ। क्या पहले, पहले रोके दिखाए अब उदास हो जाए अरे अब अब अरे आपने गुस्सा करना है ऐसे गुस्सा करोगी तो प्यार आ जाएगा तुम पे और गुस्सा करो अच्छा अब, ये क्या बात के रखा हुआ अच्छा अब अब आपको नींद आ रही है अच्छा अब हंस के दिखाएं <laughs> अब एक्साइटेड हो जाए एक्साइटेड कितना एंजॉय कर रही है <laughs> आ, और अच्छा भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है हाँ पूछे <laughs> के के मैं आपसे सवाल पूछूं एक डब्बा है ठीक है एक डब्बा है ये डब्बे कहाँ से आ रहे हैं यार अरे सुनने तो आप अरे अच्छा बहन एक डब्बा है ठीक है और हम नहीं एक घर है और हमने और ना और डब्बे 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 में डब्बा डब्बे में केक हमारी कौन है लाखों में नहीं, <laughs> एक घर है और ना और हम हमने उसमें ना पानी का ना पानी का पाइप नहीं डाला धोने का अपने हाथ तो उसको तो हम लोग कैसे हाथ धो सकते जब बारिश होगी तभी हाथ धोएंगे तभी नहाएंगे नहीं। साल में गलत जवाब गलत जवाब सही जवाब क्या है नहीं। अगर हम अगर हम लोग गिर भी जाए भी जाए तो वो सालों से पड़े होंगे हमारे कपड़े हमें पहन के जाना भी होएगा होएगा वाले वाले कपड़े तो तो हमें हमें ना हाँ हमें पानी की बोतल से हाथ धोना चाहिए पानी या की तो, की बोतल से आप क्या सुना तो, रही हैं या तो ना या ना, तो हमें हमें ना हमें आ, या तो एक केन वाली बोतल से भी धोना चाहिए हां आप क्या सुना रही हैं हां वही तो समझाओ तुम बोतल तो से थोड़ी धोता है हां हां और जब तो हाँ, से भी सकते। नहीं जब धोते हैं हाथ पानी खोला ऐसे गीले किया हाथ बंद कर दिया फिर उसके बाद साबुन लगाया या फिर वापस खोल तो, तो, तो साबुन में पानी डाला वो इसको ज्यादा नलका नहीं खोलना के बाद नलका खोल पानी पार पार जाया, जाया न, कर न, न, को। भाई मेरी भी आवाज बढ़ा दो उसकी आवाज ज्यादा ऊंची है हाँ सो मैं ये कह रहा हूँ कि नलका खोल के पानी जाया नहीं करना ठीक है पानी जाया नहीं करना आपको सुना रही है मैं जी जल्दी सुना दें फिर हमें ब्रेक पे जाना है क्या होगा हसन भाई हसन भाई नींद आ रही है जी आप, आप सुना दें पहले जल्दी से टाइम खत्म अच्छा कुछ सुना रहे हो तुम सुना दो बड़ा अच्छा कुर्ता पहना हुआ तुमने आपने कभी अपनी मम्मा से रोज़ा में चुके पानी पिए जब छोटे होते किया होगा तो याद नहीं है मुझे किया होगा ऐसी हरकतें बचपने में हो जाती हैं जी आप क्या सुना रही हैं ना ना सुनाए जल्दी क्या ऊँची शान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्ला सब की शान है अल्लाह अल्लाह जी हमें महकती कलियाँ जो हमारे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं आ, इस सेगमेंट में हमारे साथ डिस्काउंट वॉचर्स हैं जी एट्रियम मॉल की तरफ से वो तमाम बच्चों के साथ जाएंगे और आज मोलम टैब बाय एस कलाम है जो कि आज अबान भाई के साथ जाएगा जबान भाई ने बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमें Uh, सुनाया है सो so, uh, अमान भाई ये एक मिनट में आप ये आप ये तो डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में आप सब ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में दोनों दो ले लें आप दोनों के हैं दो आप दोनों भाइयों के हैं और ये भैया एहसन कलाम की तरफ से ये टैब आपका है आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये सब बच्चों को मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कोई बच्चे परेशान ना हो कोई रह तो नहीं गया अरे वो हमारी भारी आवाज़ वाली लाफ रह गई दे दीजिए हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं जी वालेकुम. जेर जबर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ हमारे जज साहबान यहाँ पे मौजूद हैं. इंजीनियर तला आलम साहब आपको हम खुश आमदेद कहते हैं शहबाज इब्राहिम आपको भी खुश आमदेद कहते हैं आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जज जो हैं डॉक्टर वजाहत पहलवानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं चैंपियन रह चुके हैं जी सिंध के और पता नहीं कितने आ, एजाजाद अपने नाम किए हैं आपको खुश कहते हैं वजाहत आ, आपको पता ही है इन सब चीज़ों का बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इस सेगमेंट में मुझे आपकी ये मदद दरकार रहेगी कि किसने बज़र बजाया किसने बजर नहीं बजाया पहला राउंड बज़र राउंड होता है बज़र राउंड में जब आप बजर बजाते हैं तो आपको जवाब देना ही है अगर आपने जवाब नहीं दिया तो माइनस टेन है वैसे प्लस टेन है और उसके साथ साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कुछ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं फिर उसके हवाले से सवाल पूछते हैं अगर आपने किसी सवाल के बीच में जवाब बज़र दबा दिया मैं चुप कर जाऊँगा मैं सवाल नहीं पूछूँगा आपको खामा खां का डस पड़ेगी इसलिए इंतज़ार कीजिएगा सवाल पूछने का और आज के जो विनर होंगे वो यहाँ से लेके जाएंगे जी आ, हमारे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से एक लाख रुपए की सालाना मेंबरशिप जो कि फैमिली मेंबरशिप है आ, उसके साथ साथ डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है कोइस है फोटाइल है हरबियन है और खालिद स्वीट्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हमारे यहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ जाएंगे so, तैयारी पकड़ लें पहली वीडियो आपको दिखाई जाएगी उसके हवाले से कोई भी सवाल हो सकता है तो दिखाइए जी वीडियो। we were so we could learn from each other and find beauty in our differences कौन है ए ए है ए जी ये कौन सी तकरीब हो रही है जी सर रोजरात की आयत है हैं सर रोजरात के आयत है मैं तो पूछ रहा हूँ ये कौन सी तकरीब हो रही है आप मुझे आयत सुना रहे हैं। माइनस टेन। कौन सी तकरीब हो रही है कोई बता दे प्लस मिल जाएंगे जी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। बिल्कुल सही जवाब फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग थी ये 2022। बिल्कुल सही ये तिलावत जो कर रहे हैं उनका नाम क्या है जो तिलावत कर रहे हैं उनका नाम क्या है ऑप्शन नहीं है आपको सामने दिखा दिया गनीम मुफ्ता साहब मैं बताना भूल गया हूँ वन पे हमारे साथ मोहसब जावेद हैं सिंध यूनिवर्सिटी से आ, फिर हमारे साथ साथफ़ हैं बेनज़ीर भुटो यूनिवर्सिटी से और एम शाहिद हैं कराची यूनिवर्सिटी से एनीवे anyway, वे ये तकरीब किस मुल्क में हो रही थी सी कतर में बिल्कुल सही जवाब ये फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था सी अर्जेंटीना बिल्कुल सही अच्छा जी जी, जी। क़ुरान पाक में किस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया गया बी मस्जिद बिल्कुल सही पाकिस्तान का कौमी तरह सबसे पहले सी जी सबसे पहले हाँ किसने आप 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 तो लिखा आमद पे चल रहे हैं वाह सबसे पहले किसने लिखा उसके बाद तीन चार और तो उन्होंने सही किया था है ना सवाल मैंने कहा सुन लो माइनस टेन कौमी तराना सबसे पहले किस गैर मुल्की सरबरा की आमद पर बजाया गया था शाह ईरान रजा शाह पहलवी हो गया पाकिस्तान में दूसरा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस साल में मुनद हुआ सी उन्नीस गलत हो गया हो गया सवाल जाया हो गया वीडियो दिखाइए well, हाँ भाई क्या होगा इस बॉल पे कौन है सी जी आउट हो कैसे आउट कैच बिल्कुल सही बिल्कुल सही प्ले करो air, important. Important, कौन आउट हुआ है <laughs> कौन है पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट वन मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप कौन आउट हुआ है विराट कोहली बिल्कुल सही आ, बॉलर कौन था कौन बी, है बी, बी।, बी। आमिर बिल्कुल सही जवाब मोहम्मद आमिर कैच किसने किया सी शादा खान अरे भाई क्या बात है वेरी गुड कमेंटेटर सी नसीर हुसैन नासिर हुसैन बिल्कुल सही जवाब क्या बात है यार क्या बात है क्या बात है जी एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आके बजर आऊ यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी हाँ एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं जेर जबर का सिलसिला भी जारी है और हमारा बजर राउंड चल रहा है प्लीज बज़र सवाल पूरा होने के बाद बजाएं मैं बार बार कह रहा हूँ वो बच्ची सोचती रहती है तुम लोग बज़र दबा के खड़े होके अजीब से जवाब दे रहे होते हो शेर मुकम्मल करेंगे आप लोग बाजी अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे तलाक कंट्रोल <laughs> और खुदा के वास्ते आगे कुछ ना बोली कल एक सवाल ज़्यादा करवाया था तुमने <laughs> बाजिचाह अतफाल है दुनिया मेरे आगे शेर मुकम्मल करना है फाइव फोर थ्री टू वन होता है शब रोज तमाशा, तमाशा मेरे आगे।, आगे सवाल है ये जो शेर है इनके जो शायर हैं उनका नाम बताना है अच्छा मैं चलें कर देता हूं, आप लोगों के लिए आसानी ऑप्शन दे आप दे दे मीर तकी मीर अलामा इकबाल मिर्जा गालिब जी मिर्जा गालिब मिर्जा असदुल्ला गालिब असदुल्ला खान गालिब जी पाकिस्तान में दूसरा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस साल मुनद हुआ बी हो गया ये चलें जी फिर छोड़ देते हैं इसको थैंक यू आपने हमें बता दिया जी आ, वीडियो पहले ऑडियो चलेगी अभी हम करीमा कर रहे हैं और तू बोलना मिल जाओ खटिया आदमी वो तो, तो आ? किसकी आवाज आई है आ, उमर शरीफ बिल्कुल सही जवाब वीडियो दिखाई अभी हम माइते करीमा करवा रहे और तू बोलना मिल जाए खटिया आदमी। वो तो लिखवा दे अखबार के लिए इश्तिहार लिखो ताकि बेगम आए तो उनको यह अंदाजा हो गया उनके लिए बड़े परेशान इस लिखो इसलिए लिख लू के बराबर लगती है लिखो ठीक है एक दो के बराबर लगती है देखने में हमारी आंटी लगती है अपना नाम बता सकती है अल्लाह ना करे किसी को मिले हाँ? क्योंकि जिसे मिलती है उसे जिल्लत ही मिलती है आपको जिल्लत मिली? हाँ बेटे जिस दिन वो हमें मिली दूसरे दिन तू मिल गया न, मैं न, न, कैसी बातें कर रहे हैं आप लिखो लिखो इत्तला देने वालों को अल्लाह पूछेगा अल्लाह पूछेगा हमारी हायछेगा जी को को इसमें देने को ये इंतहाई मशहूर ड्रामा है इसका नाम बता दें मशहूर ड्रामा इसके एक दो पार्ट भी आए थे बहुत मशहूर ड्रामा है अगर ये आपने देखा है जो जो दोनों शख्सियात मौजूद हैं भाई इनका कुछ गुम गया इनको ढूंढ गए थे ईद के मौके पे काफी ज्यादा जी सी बकरा किस्तों पे बिल्कुल सही जवाब उमर भाई के साथ जो दूसरी शख्सियत थी जो एक्ट कर रहे थे जो लिख रहे थे उनका नाम क्या है जी शकील सिद्दीकी भाई लड़का तेज है भाई। लड़का तेज ठीक है।, है उमर भाई का उमर शरीफ साहब का इंतकाल कब हुआ ऑप्शन दे देता हूँ पाँच सितंबर 2021 2 अक्टूबर 2021 6 दिसंबर 2021 नहीं आता जरूरी नहीं है नंबर जाया करना जी दो अक्टूबर दो हजार इक्कीस अल्लाह पाक इनके दर्जा बुलंद फरमाए जी आ, एक मेरे पास ये रह गया ये पूछ लूँ मैं जी दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के किस शहर में मुनदद हुई कौन है सी, सी। लाहौर बिल्कुल सही मुहावरा मुकम्मल करें एक तो चोरी कौन है ऊपर से सीना चोरी बिल्कुल सही उर्दू किस जबान का लफ्स है जी फारसी तुर्क तुर्क जी अब हम चलेंगे बजर राउंड की तरफ और बजर राउंड में पहले आपसे फिर आपसे फिर आपसे सॉरी रैपिड फायर में नहीं सवाल समझ आ रहा तो अपना क्या कहते हैं आगे कर देना लेकिन उससे पहले गेस्ट द पिक्चर कर लेते हैं गेस्ट द पिक्चर पे लेकर आइए ये कौन से मुल्क का झंडा है भाई अर्जेंटीना बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़े कौन सी बिल्डिंग है ओलोज है और नहीं दूर घर जा रहा भाई अभी हाँ जी तीसरी तस्वीर कौन है ये इब्राहिम कौन इब्राहिम ईरान के... इरा... के, के सदर है ईरान के सदर हैं शायद नहीं इराक के सदर थे सद्दाम हुसैन इब्राहिम को दोस्त होगा उसने कहा होगा आज मेरा नाम लेना है इब्राहिम रईसी की बात कर इब्राहिम रईसी नहीं है नहीं 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 सदामुसैन जी आ, आपकी बारी है आपने बताना है हमें पहली तस्वीर ये कौन सी जगह भाई ये वही है जो मुझे लग रहा है हाँ दूसरा साइड भी बताओ ना यहाँ तो बहुत जाते हैं जाते हैं आते जाते देखा होगा इतना रश लगा होता है तोबा जब जाओ मैं तो इसीलिए सुबह ही जाता हूँ हाँ मॉल है ना आइकन है हाँ अच्छा नहीं अभी यहाँ रश नहीं लगा आइकन टावर है सही है जी अगली तस्वीर दिखाए ये कांका झंडा है जी सोचे सोचे यूरोपियन इसमें कौन सा माइनस टेन है बोल दो कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है कोई भी बोल दो नहीं आ रहा जो दिमाग में आ रहा है स्पेन जी अगली तस्वीर हाँ जी ओबामा क्या नाम लिया आपने कितने नौ हजार समथिंग डेज जेल में काटे थे उन्होंने से साल पच्चीस से छब्बीस साल नौ हजार से ऊपर देना तकरीबन नेल्सन मंडेला साहब ये जी आपकी बारी है दोस्त पहली तस्वीर ये कौन सी जगह भाई बुर्जुल अरब नहीं बुर्जुल अरब नहीं है गलत हो गया बुर्जुल खलीफा बुर्जुल अरब दूसरा है वो होटल है जी अगली तस्वीर हाँ जी भुट्टो साहब के बहुत दोस्त थे आवाम हमला भी, भी कर चुकी है भुट्टो साहब की बहुत दोस्ती थी इनसे पाकिस्तान में भी यादगार मौजूद है हाँ इनका एक बहुत यादगार इनके नाम से है एक चीज़ पाकिस्तान में लाहौर में फाइव फोर थ्री टू वन कदाफी स्टेडियम का नाम सुना हाँ जी अगली तस्वीर ये कहाँ का झंडा है भाई ये पता होना चाहिए यार श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब क्या बात है क्या बात लगाओ है क्रिकेट से जरा लगाव है ना तो मुझे अंदाजा हो गया था मैंने कहा ये बता देगा ये वेरी गुड जी हम आ रहे हैं आपकी तरफ सवाल नहीं समझ आता सोचना नहीं पास कर देना ठीक है वन टू थ्री को बादशाही मस्जिद किस मुगले आजम ने तामीर करवाई अकबर औरजेब सबर के हवाले से कौन से पैगंबर मशहूर है पाकिस्तान का कौन सा मशहूर सही जवाब इसरो बरतानिया भूटान के दारकूमत का नाम बताएं थम्पो कुरान पाक के पांचवें सिपारे का नाम बताए सनात बिल्कुल सही परिंदों के मुताले को क्या कहते हैं परिंदे को परिंदे के मुताले को आर एनोजी किन अल्फास का है? पास एक्सेस मेमोरी में को शहीद किया गया नवाज शरीफ के दौरे सदर परवेज मुशरफ हजरत का नाम क्या था पास आर्क कुरान पाक की किस सूरा में अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई है सूरज शम्स बिल्कुल सही पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप कुल कितनी मरतबा मर्तभ बिल्कुल सही जवाब नेटो का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक्य है ब्रसल्स जर्मनी इराक की करेंसी का नाम क्या है इराक की करेंसी दिनार इराक की आ, दिनार, दिनार। बिल्कुल सही जवाब अब आपकी तरफ बढ़ेंगे सदफ इन्होंने जरा ज्यादा वक्त लिया कुछ एक दो में आप प्लीज मत लीजिएगा क्या बोल रहे हो हाँ हाँ आ रही थी मुझे हल्का सा आया था वो एक हाथ दो सेकंड ऊपर दे देता हूं यार कुछ नहीं होता फैसल भाई आप तो बिल्कुल ही अल्लाह की कसम हैं क्या हो जाते हैं जालिम हो जाते हैं हाँ नाक बन के बैठ जाते हैं एक सेकंड ऊपर नहीं दो रेडिया किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट किस मुल्क में वाक है सऊदी अरब एल पी चिकेन अल्फाज का पेट्रोलियम गैस बिल्कुल सही जंबावे के दारकूमत का नाम बताएं जंबावे हाँ, जमात इस्लामी पाकिस्तान के मौजूदा अमीर का नाम बताए पास मौतम सराजुल आलमी अदालत इंसाफ किस मुल्क में वाक्य है पास नदरलैंड शाहजहाँ मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई शाहजहाँ बिल्कुल सही ईसा और यद यदा किस नबी के मौके बिल्कुल कुरान पाक की किस किसरा में अल्लाह ताला ने हदूद का जिक्र किया है पास सूरा नमल। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड आखिरी वर्ल्ड कप कब जीता था उन्नीस सौ चौरानवे सकूत ढागा के वक्त पाकिस्तान के सदर कौन थे पास जनरल खान किस पैगम्बर के हुसन बहुत मशहूर है हजरत यूसुफ बिल्कुल सही जवाब के मुताले को क्या कहते हैं पास एंथोमोलोजी कुरान पाक की पच्चीसवीं सिपारे का नाम बताइए पास। इलियारत कतर की करंसी का नाम बता दें रियाल। बिल्कुल सही जवाब ये बिल्कुल सही बात है कि हज़रत यूसुफ़ सलाम के हवाले से ये बात बहुत मशहूर है कि वो बहुत हसीन थे इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हकीकता हजूर पाक सल्लम के हसन की जब बात आती है तो वो शायद इस पूरी कायनत में सबसे ज़्यादा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है आ, लेकिन यूसुफ के हवाले से चूंकि वो भी मशहूर है तो इस वजह से कौम पे उतारा गया सलाम। सलाम। रोम किन का है? पास। रीड ओनली मेमोरी कुरान पाक की दसवें पारी का नाम वो बिल्कुल सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन का नाम बताएं

कौन से नबी परिंदों और जानवरों की बोली समझते बिल्कुल सही जवाब यूनेस्को का सदर दफ्तर किस मुल्क में वाक्य है अमेरिका में पेरिस में क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 का फाइनल पाकिस्तान के किस शहर में हुआ था 99 का फाइनल लाहौर बिल्कुल सही जवाब तुक्का तो नहीं मारा है नाइन्टी के खेला गया था है नहीं ये लिखा हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप 99 का फाइनल पाकिस्तान के किस शहर में हुआ था। गलत अच्छा मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे देना ये सवाल ही गलत था मारो जिसने लिखा है जी मौसम के मुताले को क्या कहते हैं मेट्रोलॉजी बिल्कुल सही जवाब क्या बात है भाई जी अब आएगा रिजल्ट और रिज़ल्ट हमें देखना है एजाज साहब क्या लग रहा है आपको आ, हमारे जो सी पे पार्टिसिपेंट हैं वो हाँ. काफ़ी मजबूत रहे और बज़र राउंड बहुत अच्छा खेला हाँ। बाकी दोनों राउंड्स में वो ज़्यादा अच्छी कारकरी नहीं दिखा सके लेकिन बज़र में फिर भी बहुत कदरे बेहतर रही उनकी कदरें बेहतर बेहतर रही लेकिन बज़र राउंड जो था वो ये विन कर गया हाँ लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि यहाँ पर जो टॉप स्कोर है वो टू फोर्टी गया और सेकेंड उनके बाद जो हैं वो टू थर्टी पर और एक विनर जो है वो टू टेन पे हैं तो मैंने कहा ये स्कोर मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि स्कोर जो है वो बड़ा ज़रूरी है और टीम ए है सौ पे टीम बी नब्बे पे और टीम सी एटी पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी आप आज जीत गए हैं टीम सी आप हमारे साथ आगे जा रहे हैं शाहिद भाई मोहम्मद शाहिद आप हमारे साथ आगे जा रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक बहुत सारे इनाम हैं जो आप लोगों के साथ जाएंगे पहले हमारी जो ये छोटी सी सदफ़ है उनके साथ हर्बियन और खाली स्वीट्स की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर्स हैं ये आपके साथ जाएंगे हमें अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ यहाँ से जाए हर्बियन क्विस और फोटाइल की जानब से जो गिफ्ट हैं वो आपके साथ जाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत, -बहुत मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये ले लीजिए और शायद भाई आपके साथ कोइस का ये जाएगा गिफ्ट हेम्पर और ओजी डेवलपर्स की जानब से ये गिफ्ट हेम्पर है और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक साल की फैमिली फ्री मेंबरशिप है आपके लिए आइए तला वजा शहबाज प्लीज ये अमानत हवाले कीजिए वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से बीच में आइए आप शाहिद भाई जी ये आपके साथ जाएगा यह होता है कहीं कहीं भी नहीं होता ये लोग इंतज़ार कराते हैं जब तक जीतोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं हम साथ, -साथ दिए जा रहे हैं सो so, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारक मेरे ख्याल से हम छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो मुझे कुछ कहना है सिलसिला शुरू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मुझे कुछ कहना है के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू हमारा डिबेट कंपटीशन की तरफ एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं एक सवाल हम आपसे करेंगे उसका जवाब आपने हमें देना है बहुत आसान से सवाल हैं लेकिन सही जवाब देने पर सत्ताईस रमजान को इनशाला आ, अगर ज़िंदगी रही तो हम यहाँ कुरान दाज़ी करेंगे और उस कुरान अंदाजी में दो लैपटॉप से हमारे पास डेल डेल और एम एन पी की जानब से रोज़ाना हम सवाल करेंगे और दो लैपटॉप दिए जाएंगे डेल और एम एन पी की तरफ से और ये जवाब आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे मत भेजना खुदा के वास्ते फिर कुरानंदाजी में शामिल नहीं हो पाएंगे ये जो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहे हैं इस पर आप लोग जो है वो अपने जवाब भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर दिखाइए और मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि कुरान पाक की कितनी आयात हैं क़ुरान पाक की कितनी आयात हैं जिन में हरूफ तहजी आते हैं कुरान पाक की कितनी आयात हैं जिनमें हरूफ तमाम हरूफ तहजी आते हैं कुरान पाक की कितनी आयात हैं जिनमें तमाम हरफ तहजी आते हैं ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इन पर आपने जवाब देना है बहुत आसान सा सवाल है इसका जवाब देने के लिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे आ, मुझे इंस्टा या फेसबुक नहीं करेंगे या आप कहीं और नहीं करेंगे आप इस व्हाट्सएप पे अपना जवाब भेजेंगे और शामिल हो जाएंगे कुरानंदी में जो कि सत्त रमज़ान को की जाएगी रोज़ाना भेजते रहें जवाब बार बार भेजते रहें आपके ज़्यादा आपकी एंट्रीज़ हो जाएंगी डेल एंड मोर डेल एंड एम एन पी की जानब से आपके लिए दो लैपटॉप्स हैं जिसकी कुरानंदाजी की जाएगी मैं सबसे पहले यहाँ बुलाना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी मॉडर्न साइंसेस टंडू मोहम्मद ख़ान से मोहम्मद शुेब साहब को आ जाइए शुब साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं जी और आज का जो हमारा मौजू है अंधेरी शब में भी तामीर आशियाँ ना रुके जी इजाज़त है जी बसमल सतईस मुबारक चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है आपको पाकिस्तान मुबारक हो बस यहीं से सदर जवाार इस साशियाने की तमीर का सफ़र शुरू हुआ और इस इमारत की बुनियाद रखकर इसके इस बशिंदों को यह नवीद सुनाई गई कि आप आज़ाद हैं आज़ाद रहें अपनी अपनी इबादत गाहों मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आप आज़ाद हैं कि सदर जी वकार तारीकी के इंधनों सहर की उम्मीद लिए लियाकत अली खां इस इमारत की बुनियाद रख कर इसको सतुलू पर खड़ा करने के लिए है लेकिन चश्मे फलक नहीं है देखा लेकिन चश्मे फलक नहीं है देखा कि इस इस मुल्क को इस मुल्क को रेजा रेजा करके इसके हर जरे को ये पैगाम दिया गया कि हमने खुद तकरीब से अपने नशे मंद भों सदर जी वकार इसके बाद इस इमारत की इस इमारत को खूबसूरती से दोबाला करने के लिए इस तवारी खुददारी जैसे ही खूबसूरती के उज्व लाए गए मगर मगर उज्व लाए गए मगर ये देखने को मिला कि इस इमारत को रेजा रेजा कर दिया गया मगर सदेजी वकारी किसी सि, सिद्धि का दौर शुरू होता है और मैं ये देखता हूँ कि अरशद शरीफ को इस आशियाने से इश्क के जुर्म में गोलियों से छलनी छलनी कर दिया गया और वहाँ इमरान रियाज को हक को सच्चाई की आवाज़ सच की आवाज़ बुलंद करने पर ये पैगाम दिया गया कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले और मैं ये देखता हूं कि नन्हे अब मार की रूह अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे मन गलत मकदमात में देखकर ये गिरिया करते हुए प्रवास कर जाती है कि खुदा वंदा जलीलो मोतबिर दानाओ बिना मुनसेबो अकबर अब मेरे इस मुल्क में जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर अब मेरे इस मुल्क में जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर सदर जी वकार तंगदस्तियों तंग दस्ती जब्र की बाला दस्ती इस जमूरीत और मुल्की सालमियत के खिलाफ वो जंग है कि जिसने इस आशाने को रेजा रेजा कर दिया है कि जिसका हर ज़र्रा जरा आज हमें बताता है कि हमने खुद तकरीर से अपने नशेमन भोगे मगर सदर जी वकार आज मैं मायूस नहीं क्योंकि मेरे दिल में यह उम्मीद जिंदा है कि हर हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है आज मेरे दिल में यह उम्मीद जिंदा है कि अगर अगरचे तारीख की यह शब्द लंबी है मगर इसके बाद शहर की रोशनी जरूर होगी आज मेरे दिल में यह उम्मीद की किरण जिंदा है कि अगर आज मेरे दिल में यह उम्मीद की किरण जिंदा है कि अगर अगरचे आशियाना फिर भी बने आप सबके समाज को बेहद शुक्रिया अब्दुल वहाब चौहान साहब हैं लम जाम शोरों से आपको खुश आमदेद कहते हैं मैंने सही नाम लिया जी जी बिल्कुल जी बिस्मिल। धूप, हथियारों से लेस, फौज, खून की प्यासी है आली वकार। भी किसका। भी आकाए दो जहा कायना के महबूब नवासे इमाम हुसैन का और उनकी आल का यहाँ बहत्तर का मजमा है और यहाँ यजीदी सोच रखने वाले हजारों सिपाहियों का जमे गफी लेकिन फिर भी बहत्तर हजारों के लश्कर के रूबरू आ जाते हैं और यह पैगाम देते हैं अंधेरी शब्द में भी तामीर आशिया ना रुके जनाबे वाला अब तस्वुर कीजिए ईरान के छोटे से शहर में खुमेन, छोटे से शहर खुमैन में एक बच्चा जन्म लेता है और वो अपनी जहनी इस्तात को इतना मजबूत कर लेता है कि ईरानी सल्तनत के सामने डट जाता है और इस्लाम का डंका पूरे ईरान में बजा देता है और खुमैनी यह पैगाम दे जाते हैं अंधेरी शब्द में भी तामीर आशिया ना रुके जनाबे वाला एक और मुमताज इस्लामी शख्सियत सैयद मौदूदी एक किताब लिखते हैं और फांसी को किताब के इनकार से बेहतर जानते हैं और यह पैगाम देते हैं अंधेरी शब में भी तामीर आशिया ना रुके नहीं चिराग तो किया बर्क तो चमकती है जनाबे वाला आज इस मुल्क में आप और हर सांस लेता बाशिंदा मकरूज है महकूम है पस्ती पर है लेकिन आज आज भी इस मुल्क से पंद्रह साल वो सतह के ऊपर दूसरी पोजीशन गेमिंग में हासिल करके बता देता है कि अंधेरी शब्द में भी तामीर आशियां ना, ना रुके आज इस वतन की बेटी आईमा उठती है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में वकालत में आला नंबर हासिल करती है और यह बावर करवाती है कि अंधेरी शब्द में भी तामीर आशियां ना रुके जनाबे वाला आज आज जिसमानीतवारी और अस्करियती तौर पर कमजोर फ़लस्तीनी अपने आसाब पर डट चुके हैं और इन जमीनी खुदाओं की आंख में आंख डालकर कहते हैं कि दुश्मन मेरा निशान मिटाने पे है मैं भी सिना की नौक पे छोड़ जाऊंगा और लश्कर 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 करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे मैं मरकर भी जीने की खबर छोड़ जाऊँगा मैं मरकर भी जीने की खबर छोड़ जाऊंगा शुक्रिया बहुत शुक्रिया आ, खतीबुर रहमान साहब हैं जिना कॉलेज गिलगित से आइए जनाब गिलगित से तशरीफ लाए आप माशा जी खतीब भाई मुश्किल हालात में साबित क़दम रहना ही असल कामयाबी हुआ करती है सदर अली वकार के चश्मे तस्वुर से ये देखिए सरजमी अरब है जो व सितम की तारीकी में डूब चुकी है इंसानी खोपड़ियों में शराब पीने पर फख्र महसूस किया जाता है और इंसानियत और बर्बादी के आखिरी दहाने पर है कि ऐसे में आका आलाम की आमद होती है और आप इस बिगड़े हुए की तामीर और तरक्की का आगाज करते हैं और फिर दुनिया देखती है कि एक दूसरे के खून के प्यासे आपस में शीरों शकर होते हैं डाकू और लुटेरे मुहाफिज मुहाफिजों नगहबान बने फासिको फाजिर जाहिदो पारसा बने अरब के चरवाहे जमाने के इमाम बने और पूरी दुनिया में ऐसे इस्लामी परचम लहराया कि दस्तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने जनाबे वाला मंजिलें हमेशा बहादुरों को सलाम करती हैं कि देखिए सताईस साल कैद काटने के बाद सताईस साल कैद काटने के बाद नॉबल इनाम पाने वाले नेल्सन मंडेला को क्यूबा की सरजमीन से उठकर अमरीकी बिठालियन की नींदें हराम करने वाले ची गवेरा कोई बीस साल तक बीस साल तक जंग में जंग में रहने के बावजूद तरक्की करते अफगानिस्तान को हीर, हीरो शीमा और नागासाकी पर होने वाले हमलों के बावजूद तरक्की या, याफ्ता जापान को गुलामी की जंजीरों में जगड़े हुए हुए पाकिस्तान को आज़ादी हासिल करते हुए कि जिसका दुश्मन

इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनता है दो हज़ार पाँच के शदीद तरीन जल्जलों के बावजूद हम मुजफ्फर आबाद और बालाकोट को सचते और संवरते देखते हैं फिर हम देखते हैं अरफा करीम पाकिस्तान में दुनिया का नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती है दहशत गर्दी के बावजूद सीपे जैसे अजीम मनसूबे की बुनियाद रखी जाती है पाकिस्तान के दीनी मदारस दहशत गर्दी का निशाना बनने के बावजूद हर साल लाखों तलबा तलबात को हफाज और, और दीन का आलिम बनाकर यह पैगाम देते हैं खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए जवाल न हो यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल न हो यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद शुएब वहाद आ जाइए प्लीज़ आप लोग जब तक रिजल्ट आता है वजाद भाई आज आपसे जजमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई माशाल्लाह तीनों मुकर्ररीन हमारे आ, महारत रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ तीनों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे दलाइल पेश किए शुएब सबसे पहले आए शुएब ने मंजर बहुत अच्छा पेश किया लेकिन आपकी तकरीर में जो रेपटेशन्स बार बार आ रही थी वो रेपटेशन ये जाहिर कर रही थी कि आपको तकरीर याद नहीं है ठीक है अच्छा आपका वक्त ख़त्म हो गया था और आपकी तकरीर जारी थी ठीक है आपको आपको भी और आप समेत सारे मुक्रन जो हमें देख रहे हैं उन सब के लिए ये एडवाइस है कि जब आप अपनी तकरीर तैयार करें तो उसको अपने टाइम स्लॉट के मुताबिक तैयार करें दूसरे मकर हमारे वहाब लम्स जाम शुरू से बहुत ज़बरदस्त मंजर पेश किया आपने अच्छा एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वजह कायनात ये वजह कायनात नहीं है ये वजह कायनात है ऐसे ही तलबा है ठीक है इसके अलावा रानरान नहीं है मुल्क ईरान है ठीक है और बाकी आपका स्टाइल बड़ा नेचुरल था बहुत अच्छे दलाइल आपने पेश किए दोनों तरफ आपने हाथों को इस्तेमाल किया बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त थी आपकी दलाइल बहुत अच्छे थे आप ख़ीबर रहमान तीसरे मकर खतीब का फैसल भाई एक मुश्किल मरहला है कि इनके मुंह से जो है वो शीन नहीं निकला हाँ शीन का थोड़ा सा तो ये इनका ताल्लुक भी हमारे मुल्क के उस हिस्से से है जिसको हम कहते हैं कि सरजमीन बे आज तक वहाँ पर पाकिस्तान के आइन का नफाज नहीं हो सका

कि दे हैव टू वर्क बिकॉज अल्लाह ताला इनको और आगे लेके जाए और कामयाब करे फिर जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे फिर आप ऐसे ही उर्दूर यही ही। यही नेशनल टेलीविजन का हुसन भी है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं जी कहीं कहीं आपकी रकाबे जो हैं वो आपके पैर पैरों से निकली थी आपने फंबल किया ठीक है जो जिसका अंदाज़ा बखूबी जजेस को हो गया बाकी मेरे बाकी साथी जजेस जो है वो राय आपकी देंगे जी तला भाई बिसमर रहीब पहले जो हमारे मुकर थे शुयब आपने आ, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था नेचुरल अंदाज़ था बहुत अच्छा लगा लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा ना कि ये मुल्क रेज़ा रेज़ा हो गया तो ये दुरुस्त जुमला नहीं है ठीक है फिर उसके बाद आप चूँकि बीच में भूल रहे थे ना उसकी दो वजह मैं आपको बता दूँ और सारे मुकर्रन के लिए भी कि जब आप आई कॉन्टेक्ट करते हैं ना और ख़ासतौर पर जजेस से आई कॉन्टेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो खुद ब खुद लूज होना शुरू हो जाता है तो आप उनकी आंखों में मत देखें आप उनके माथे पे देखें सर पे देखें तो इससे ये होगा कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी तकरीर याद कर लें तो कम से कम तीन मरतबा उसको आईने के सामने खड़े होकर करें जब आप आईने के सामने खड़े होकर तकरीर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपकी याददाश्त भी मजबूत होगी और साथ ही साथ आपको अपनी बदन बोली के ऊपर भी जो है ना महारत आ जाएगी कि मैं किस तरह से तकरीर करते हुए स्क्रीन पर आ रहा हूँ तो ये दो ट्रिक्स हैं आने वाले मुकर्रन के लिए इसका ख्याल रखिएगा आपने कहा कि मैं तेरी गलियों पे वो इस तरह से था कि निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले इस तरह से है फिर उसके बाद आपने कहा कि जबर की बालादस्ती जबर की बालादस्ती होगी इस पे भी मैं अगले दिन एक ट्रिक जो है मुक्रीन को बताऊंगा फिर उसके बाद आपने हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन भूखे ठीक है तो उस तकरीर का भी मवाद यहाँ पे मिला जुला रख रहा था मगर बहुत अच्छा आपका लगा अंदाज़ मुझे फिर आपने जो दूसरे मुक्री थे ना अब्दुल वहाब चौहान आपने कहा कि इमाम खुमैनी कहाँ पैदा हुए तो इसको ज़रा देख लीजिएगा वो सब लाइम स्टेट ऑफ पर्शिया में पैदा हुए थे ठीक है ये एक जो है ना तारीखी मालूम है इसको दुरुस्त कर लीजिएगा बाकी ईरान का वजाहत भाई ने इसको दुरुस्त कर दिया है फिर उसके बाद जो है वो आपने इकबाल का जो है वो पढ़ा शिकवा के हवाले से दश्ट तो दश्तोद है ठीक है इसको देख ले दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे झुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने तो ये बात है इसके अलावा जो है आपने एक और बात कही कि एक मिनट में पाँच भारतीय फ़ज़ाइया के पाँच जहाज़ों के परख उड़ा दिए एम एम आलम ने एक मिनट नहीं बल्कि वो चंद सेकंड थे पाँच से दस सेकंड के दरमियान भारतीय फ़ज़ाइया के पाँच जहाज़ों के परख़े उड़ाए थे जिस पर आज भी दुनिया फख्र करती है तो ये मेरी तरफ़ से है बाकी हमारे तीनों जजेज हमारे जो वजाहत भाई यहाँ डॉक्टर साहब बहुत सीनियर मुक्र हैं यूथ पार्लिमेंट से इनका तल्लुक है और साथ ही साथ आज हम इनको खुश भी कहते हैं इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा लेकिन चूंकि मैंने तीनों के नंबर्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं तो दो मुक्रेन में आज हमारे पास दोनों के उनतालीस उनतालीस नंबर हैं बीस बीस साठ हमारा रिएक्शन देख के मैं समझ गया था वो हाँ। जो आया ना कभी मैं समझ गया था दोनों पे उनतालीस है हालांकि मेरे पास फर्स्ट कोई और हैं इनके पास कोई और हैं और उनके पास कोई और तो शहबाज भाई अपनी क्रिटिक्स देंगे जब तक हम आपस से जी वकील साहब फैसला करवाइए सबसे पहले तो मैं आज हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमें आज जिस शख्सियत ने जज भी किया है वो आज हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम उनके साथ जज बैठे हुए हैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा उसके बाद मैं आता हूँ जो हमारे मुकर्रन हैं तो सबसे पहले हमारे जो मुकर्र आए उनके हवाले से पहले वजाहत भाई ने भी बात की है और तलहा भाई ने भी मैं कुछ चीज़ें जो कहना चाहूँगा एक तो बाशिंदो होता है बाशिंदू नहीं होता मंदिरों नहीं होता मंदिरों होता है मस्जिदों नहीं होता मस्जिदों होता है और साथ साथ तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए और फिर आ, हमारे जो दूसरे आ, अच्छा एक और चीज़ कि आपके पास मिसालें बहुत अच्छी थी जैसे आपने अच्छा अरशद शरीफ की बात की इमरान रियाज खान की बात की बच्चे बात की बात की तो अच्छा लगा आ, उसके बाद जो हमारे आ, दूसरे मकर आए वहाब चौहान आपकी तकरीर इस्पेशली आपका जो अंदाजे बयाँ वो अच्छा लगा कि किसी को कॉपी नहीं कर रहे आपका अपना ही अंदाजे बयाँ है और साथ साथ आपके पास मिसालें इमाम खोमैनी की फिर मोदूदी साहब की फिर आपने जो मिसालें दी आ, बच्चे आ, सुमेर की मिसाल दी आपने हारून तारिक की मिसाल दी आयमा की मिसाल दी साथ साथ आपने फ़लस्तीन की बात की तो अच्छा लगा कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छा कवर किया आ, और आ, उनके बाद जो हमारे आ, दोस्त खतीबालहमान आए तो आपकी भी तकरीर बहुत अच्छी और आपने नेल्सन मंडेला की बात की ची गवेरा की बात की और अफगानिस्तान एम एम आलम मरफा करीम आपने भी कोशिश की कि इस टॉपिक को हर तरफ से कवर किया जाए तो आप दोनों की तकारीर बहुत अच्छी हैं और आज हम जजेस के लिए थोड़ा फैसला करने में हमें मुश्किल हो रही है मैं चाहता हूँ कि तलहा भाई वकी और बजार भाई जोड़े साहब ने फैसला किया इंजीनियर और डॉक्टर ने फैसला किया और आप वकील साहब फैसला ये जो है हमारे नजदीक अगले राउंड के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ही माइनर सा फर्क है लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड का कुछ होगा तो हम दानियाल बिल्कुल अच्छा, जी। जी, इंजीनियर साहब वकील साहब और डॉक्टर साहब डॉक्टर है आप सोचे मैं कितने मजे में हूँ जी तो तीसरे नंबर से अनाउंस करना है तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं मोहम्मद शोब जी मोहम्मद टंडो मोहम्मद खान से इनका अच्छा जी हरबियन और खालिद खालिद्स की तरफ से ये गिफ्ट दोस्त आपके साथ जाएंगे आपको बहुत बहुत मुबारक जी अच्छा, वा, वाजे हो गया कि दो टाई जो थी वो किन दो मुक्रीन के दरमियान थी तो हमारे दरमियान से वहाब चौहान और ख़तीबर्रहमान ये दो मौजूद हैं इन दोनों में टाई थी और मुश्तरका फैसले के बाद अब्दुलवाहाब चौहान अगले मरहल के लिए क्वालिफाई करते हैं अच्छा और रहमान हमारे पास सेकेंड पोजिशन पे आए हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए हम उनको ठीक है जी खाली स्वीट्स की तरफ से दोस्त ये आपके लिए हरबियन की जानब से ये गिफ्ट हेम्पर आपके लिए और फोटाइल की जानब से ये गिफ्ट हेम्पर आपके साथ जाएगा ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर आपके लिए है बहुत बहुत मुबारक सिर्फ यही नहीं है भाई हम हर एपिसोड में जीतने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते वजात आइए प्लीज़ आइए और ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से एक लाख रुपए का फैमिली मेंबरशिप है जिसमें आप पानी में पड़े रहें पूरा साल आपको कोई मना नहीं करेगा कॉन्ग्रेचुलेशन ये तो जीत गया अभी आगे और भी बहुत सारे इनाम हैं अगर मुझे दो मिनट दिए हाँ आप यकीन मानिए तला भाई शहबाज भाई वजाद भाई, इन सबको मैंने सुना हाँ। मैं, इनका student, मैं इनका आप यकीन हाँ। हाँ। लिए राहत मुझे राहत इंदौरी साहब वैसे बड़े आपका एक शेर है की उसमें थोड़ा सा दिबाचा मैं करूंगा आपकी इजाजत हो के तीनों मुनफिन के लिए कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं वाह वाह लेकिन जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शिजरा जिनके पैरों में कई ताज पड़े रहते हैं तो <laughs> वालेकुम आपको खुश आमदेद कहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम रेसिपीज के हवाले से बात कर रहे हैं और रेसिपीज पे मैंने आपसे कहा था कि जी आप हमें अगर डेली भी रेसिपीज भेजते हैं तो हम आपको डेली एल दे सकते हैं जो एल है वो ओजी डेवलपर्स की जानब से है ओजी डेवलपर्स राइजिंग बियॉन्ड क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसिस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट हमारे पास कुछ वीडियोस आई बड़े ख़ूबसूरत तरीके से वो वीडियो बनाई गई आ, अगर हो सका तो मैं कल कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपको दिखा भी दें हम आ, बड़े अच्छे तरीके से क्रीमी चिकन हांडी जो है वो बनाई थी और इब्राहिम इनका नाम है कॉन्ग्रेचुलेशन इब्राहिम आपको जो ओ जी डेवलपर्स की जानब से एल ई डी है वो आप जीत गए हैं आपको कॉल आएगी और उस कॉल का जवाब दें और आके जो है वो एल ई डी यहाँ से ले जाएँ हमारे आ, क्रीमी चिकन हांडी ये दिखा भी दीजिएगा फैसल भाई कल छोटा सा जी ब्रेक आ गया ब्रेक ओ माई गॉड ब्रेक आ गया वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है जी आज हमारे पास यहाँ मौजूद है लाइव बॉय और आज हम हैंड वॉश करेंगे लाइव बॉय से आप रमज़ान में अपनी ख़ुशियों को दुबा कर सकते हैं लाइव बॉय हैंड वॉश को यूज़ करके अब आप कहेंगे खुशियाँ कैसे दुबाला होंगी भाई डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी अपनी अपनी हिफादियत होती है और बहुत सारी इसके फ़वादे वही वाली बात है कि लाइव बॉय हमें जरासीम से बहुत दूर रखता है और हमारी हिफाज़त करता है और जनाब आज हम आ गए हैं अपने किचन में और किचन में क्या करने वाले हैं पहले मैं अपने जो है हाथ ज़रा से क्लीन अप करने के बाद इसको वाइप ऑफ़ करना भी, 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 भी बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए मैंने ये टिशू यूज़ कर लिया तो तो अब हम आ गए किचन में और आज हम किचन में बनाने वाले हैं पेरी पेरी बाइट्स जो सबकी हॉट फेवरेट है मेरे पास फरमाइश आई थी कि जी पेरी पेरी बाइट्स बनाएँ तो सोचा कि आपको दिखा दें और इसका एक और नाम भी हमने रखा है इसका नाम रखा है हमने चिलोज राइट तो आज हम वो बनाने वाले हैं और उसके लिए बहुत आसान रेसिपी बताऊंगी हमेशा की तरह जैसे मैं करती हूँ बिसमान रहीम इस पर मैंने डाला है थ्री टू तो फोर टेबल स्पून ऑयल लोग समझते हैं पता नहीं इसमें कितनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बड़ी झटपट सी रेसिपी बताऊँगी और आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं ठीक है जी यहाँ मैंने ली है जनाब अगैन मैं सबरोसो की बात करूँगी सबरोसो का थैंक यू हमारा इतना साथ देने के लिए इतनी अच्छी हेल्दी और हाइजेनिक चिकन प्रोवाइड करने के लिए ये ली है मैंने सबरोसो की चिकन ये है मेरे पास तकरीबन एक किलो चिकन है और मैंने इसको क्या किया इस तरह बिल्कुल थिन जो फिंगर्स हैं मैंने उसमें कटिंग करवा लिया था ठीक है जी अब हम क्या कर रहे हैं सब चीज़ें हम साथ साथ ही डालेंगे ठीक है जी ये हमने लिए है हाफ के जी चिकन ठीक है जी आप मर्जी है मैं आपको हाफ के जी का बता देती हूँ और आप इसको डबल कर लीजिएगा अगर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए या आपने इसमें चिकन ऐड की साथ साथ सारी चीज़ें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे टू टेबल स्पून ठीक है जी ये हमारे पास है आ, पेरी पेरी सॉस अगर नहीं है इसमें तीन फ्लेवर्स आते हैं माइल्ड आता है ठीक है स्ट्रॉन्ग भी आता है इसका और मीडियम आता है आप यूज़ कर सकते हैं नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं चिली सॉस से ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वो डाल दें और जो फ्रेश हमारे पास लाल मिर्च मिल जाती है ना वो भी आप उसको पेस्ट बना के डाल सकते हैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसमें चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ टू टू टेबल स्पून मैंने तीनों चीज़ें डाली हैं वन टेबल स्पून में इसमें सेका एड कर रही हूँ वन टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जा रहा है और वन टी स्पून इसमें सॉल्ट जा रहा है देखिए कितनी क्विक क्विक हमने किया और अब हम क्या करें हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन के कलर के साथ साथ ये जितने भी हमने मसाले इसमें डाले हैं ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाए जब तक ये बन रहा है तब तक हम यहाँ पे डॉक्टर इकराम साहब मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी गुफ्तु करते हैं और जब भी डॉक्टर साहब आते हैं बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन होती no है doubt. बड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन हम कर पाते हैं डॉक्टर साहब एक हमने चीज़ देखी है खां खां हर चीज़ में मेरी नींद पूरी नहीं हुई मेरे पता नहीं आज हाथ में क्यों दर्द हो रहा है यूँ हो रहा है फलाना हो रहा है अटेंशन सीख करने के लिए एक विक्टम मेंटालिटी जो है वो क्रिएट कर कर लेते हैं कुछ लोग अपने अंदर जस्ट टू कैप्चर सम ये क्या अपना क्या होती है और क्यों होता है लोगों के अंदर ये ये मसला रहीम शुक्रिया फैसल मजलूमाना जहनीत जिसको आप विक्टम मेटेलिटी कहते हैं टॉक्सिक या नेगेटिव मनफी जहनीत की एक शक्ल या एक टाइप है और इसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी गहरी यानी इंसान बचपन से इन चीज़ों का शिकार होता है कभी कभार तरबियत के, के मसाइल होते हैं कभी इंसान जो है वो स्टोरीज़ बच्चे स्टोरीज़ पढ़ते हैं जिसमें एक प्रिंस चार्मिंग आ रहा है वो बचा रहा है मुश्किल से निकाल रहा है उनको इस तरह की चीज़ें सो विक्ट मटेलिटी बेसिकली मैं मज़लूम हूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है हालात ऐसे थे कि मुझे जॉब ऐसी मिली यहाँ पर मेरा बॉस ालिम है मेरे कुलीग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं अगर मैं शौर हूँ तो मेरी सारी मुश्किल इस खातून से शादी करने के बाद शुरू हुई टिपिकल भी मिसाल हाँ। दे रहा हूँ आपको अगर मैं बहू हूँ तो मेरी ससुराल वाले मेरी नंदे मेरी भावज सब खतरनाक हैं साजिशी हैं लेकिन मेरे जो भाई हैं वो मजलूम है और मेरी भाभी है ख़तरनाक हैं अच्छा। तो ये एक टिपिकल एक विक्टम मेंटेलिटी की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी ये क्यों होती है बेसिकली जब रिसर्च हम करते हैं तो ये मालूम होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं बचपन में तो वो वो फ़ौर जो ब्लेम है वो किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं पहला रिस्पॉन्स किसने किया ये अगर बाप ने पूछा माँ ने पूछा फ़ौरन कहकर मैंने तो नहीं किया हालांकि उसने किया भी होगा क्योंकि वो बेसिकली ही और शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फॉर हर सेल्फ़ राइट सो यहाँ से विक्टम मैंटेलिटी की जो है वो आगाज़ होता है और आ, मसला ये है कि इसकी जो जड़ है वो है तो एक्सपेक्टेशन यानी जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सपेक्ट करेंगे तो रखेंगे मखलूक़ात से जो बिल्कुल आपकी तरह हैं ख़ता से पाक नहीं है उनसे भी गलतियाँ होती हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ इंसान तो रखना शुरू करता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आई शुड बी बिहेवड लाइक दिस आई शुड बी लव्ड लाइक दिस आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस आई शुड भी रिस्पेक्टेड लाइक दिस उसका रवैया मेरे साथ ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा होना चाहिए था यहाँ से मजलूमाना जहनीत का आगाज़ होता है और फिर इंसान इस अमीक या गहरे घड़ी में जो है वो गिरता चला जाता है सो ये इसका हल जो है वो अगर आप पूछें तो वो बहुत आसान है हम उस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है कि इंसान मखलूक़ात से तो रखना छोड़ दे ये। और बाकी आपने मिसालें देखी होंगी फैसल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर हंड्रेड बुखार भी हो जाए फीवर उनकी कराएं और आओं से पूरा घर गूंज रहा होता है हाय मुझे नींद नहीं आई या मुझे कोई ये मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता ये टिपिकल जैसे आपने भी मिसालें दी ये टिपिकल विक्टिम मेंटेलिटी की जो एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सौ में भी चल फिर रहे होंगे काम कर रहे हो कर रहे हैं काम काम जैसे डेट जो है फोकस कहीं और रखा है हाँ नहीं, ये जो आपने एक बात की थी ना उस पर तो हम पेरेंट्स को देखें बहुत समझाते हैं ये बचपन से असल में एक एक चीज डेवलप हो जाती है आपके अंदर जब आप बहुत ज्यादा सजाएं बच्चों को देते हैं तो वो एक एक वो विक्टिम मेंटालिटी उनके अंदर करना है एक्यूजेशन जो है ना उनको लेम हाँ, शिफ्ट करना है ब्लेम तो शिफ्ट करना है तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स को मेरे ख्याल से इस पर बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है बड़े होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है उसके अंदर से ये सारा कुछ निकाल देना बड़ा औरतों को हमने देखा है शिकायत करती रहती है मुझे मेरे शोहर का प्यार नहीं मिला मुझे मेरे शोर का प्यार नहीं मिला घर में दस बच्चे घूम रहे हैं लेकिन उनकी शिकायत वहीं चल रही है तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ पर लेकिन सेहत पे क्या असरात होते हैं इस जो अपने आप को आप विक्टमाइज कर लेते हैं खामखा खां हर वक्त के मेरे साथ ही गलत होता है मैं, मैं पता नहीं क्यों मैं मेरे मुझसे लोग प्यार नहीं करते पता नहीं क्यों लोग मुझे अटेंशन नहीं देते ख़ुद सोचा हुआ है आपने ये आपने खुद सोचा हुआ है ना तो क्या उसके असरात क्या रहे होते हैं सेहत सबसे पहली चीज़ तो आपके जहन पर हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी मिसाल ऐसे लीजिए फैसल कि ये एक तेज़ाब है और तेज़ सबसे पहले उसी बर्तन को या बोतल को जलाता है जिसमें वो मौजूद होता है सबसे पहले उस 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 चीज़ को उस ज़र्फ़ को तबाह करता है जिसमें वो मौजूद होता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं किसी को विक्टम यानी विक्टम प्ले कर रहा हूँ अपने आप को और किसी और को ब्लेम दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं जहर को इस उम्मीद पर पी लूँ कि इससे सामने वाला मर जाएगा जो ब्लेम करते रहते हैं मतलब जहर मैं भी रहा रहूँ वो बार बार निगेटिव मैंटेलिटी ब्लेम गेम करना सारी चीज़ें सबसे पहली चीज़ के हमारा जहन हमारा जो आ, ब्रेन फंक्शन है वो मुतासर होता है हम लोग स्ट्रेस में आते हैं एनजाइटी में आते हैं डिप्रेशन में आते हैं अनसर्टेनिटी गैर यकीनी कैफियत में आते हैं तशवीश में बेचैनी में नतीजतन जिसम के सारे अफआल सर से लेकर पैर तक मुतासर होते हैं अगर मुझे खुदा खास्ता शुगर है बॉर्डर लाइन है आप यकीन कीजिए स्ट्रेस की वजह से वो एक्चुअली शरद के उस पार खतरे डेंजर जोन में दाखिल हो जाएगी शुगर बढ़ जाएगी यही वजह है कि जब इंसान टेंशन और स्ट्रेस में होता है तो उसके जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियस कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से एक आम आदमी को अगर पेन ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट हो रहा है तो बंद कर दें इसी थर्टी या फोर्टी परसेंट अगर किसी को पेन हो रहा है तो स्ट्रेस लेने की वजह से वो पेन की शिद्दत सिविरिटी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाएगी अच्छा सो कोई भी बीमारी हो अगर इंसान विक्टम मेंटेलिटी का शिकार है उसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार है तो मर्स की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है उसकी एनजाइटी बढ़ जाती है टेंशन बढ़ जाती है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है सेहत पर सिर्फ इसका मनफी असरात होते हैं इसके ये पिक्चर भी है हमारे सामने जी सो so, इसको आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग यानी एक शख्स जो है वो सिर्फ उसने निगेटिव मैंटेलिटी की वजह से जो साया था उसके सारे पत्ते जो है ज़ाय कर दिए उसने सिगरेट पी पी के स्मोकिंग कर कर के वो जो ऊपर जो पत्ते थे उन सबको झड़ देखे वो देखें वो तो सिगरेट पी रहा है और दूसरा जो बंदा है वो किताब पढ़ रहा है उस साय से लुत्फानदोज हो रहा है उस साए की सही यूटिलाइजेशन कर रहा है सो so, ये मसला है कि हम लोग जो रही सही रिसोर्सेज होती हैं उनको भी ज़ाय कर देते हैं और एक्चुअली इस इंतज़ार में रहता है विक्टम मेंटेलिटी का बंदा या बंदी कि कोई बाहर से आएगा और बचाएगा मैं तो इंतज़ार करूंगा बेसिकली मैं एक जजीरे पर आ गया हूं और बाहर से कश्ती आएगी ना कि मैं उस दरख्त को काटूं और उसको लकड़ियों से कश्ती बना के ख़ुद बाहर निकलूं कोई भी नहीं आ रहा मुझे बचाने मुझे खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है फैसल यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी से रिलेटेड आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा देखिए एक चीज़ होती है फॉल्ट किसका कसूर था फिर मिसाल के तौर पर आपने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी की चोर जो है उसके शीशे ले गया बड़े महंगे शीशे थे लाखों रुपए के ऐसे ही सो फॉल्ट so, चोर का है अब आप लेकिन मुस्तकिल सुबह से लेकर रात तक एक हफ्ते तक ये कहते रहे यार देखो चोर मेरी गाड़ी के शीशे ले गया चोर मेरी गाड़ी के शीशे ले गया चोर मेरी गाड़ी, चोर मेरी गाड़ी की यह ब्लेम कर रहे हैं फॉल्ट किसका था चोर का ब्लेम आपने कर दिया उसको लेकिन ब्लेम से मसला हल नहीं होगा मसला हल होगा जिम्मेदारी उठाने से किसी का भी कसूर हो किसी का भी फॉल्ट हो ब्लेम किसी को भी किसी को ऊपर भी आप डालें जो आपके साथ हुआ है उसकी हंड्रेड परसेंट सौ फीसदिम्मेदारी फैसल हमें खुद उठानी है यानी नेक्स्ट टाइम मुझे गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करनी है गार्ड को मुतनबे करना है कि गाड़ी यहां खड़ी हुई है देखो यहां से शीशे चोरी ना हो सुकून तब भी नहीं है मतलब सो so, अगर <laughs> खुदा ना खास्ता इंसान के यहां पर प्रॉब्लम है तो सुकून फिर भी नहीं मिलेगा ah. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसल हम सब कोशिश की लिटिल कोशिश छोटा सा अल्लाह पे तवक्ल और कोशिश नतीजा हमारे हाथों में नहीं है जी। हमारे हाथ में कोशिश है अल्लाह ताला हमसे कोशिश का सवाल करेगा बिल्कुल नतीजे का सवाल नहीं करेगा तुमने इतनी कोशिश की क्या उसके नतीजे में जंग बंद हो गई नहीं। मजलूमों के ऊपर जो जंग हो रही है वो क्या बंद हो गई नहीं कोशिश कर रहे कोशिश करनी है दुआ करनी है कोशिश करनी है और अल्लाह पर तवक्ल रखना है हालत इतमान पे आना है जी दिखाइए क्या दूसरी पिक्चर है ये जी सो ये चॉइसेस का गेम है सारा डिसजन् ज़िंदगी के फैसले ज़िंदगी की चॉइस एक बस है एक ही माहौल है लेकिन एक बंदे ने चूज़ किया कि मैं उस साइड पर बैठूंगा जहां पर मुझे सरसब्जो शादाब खलियान खेत गार्डन नज़र आ रहे हैं और एक बंदे ने कोशिश खुद अपनी मर्जी से ऐसी जगह बैठा जहां उसको सिर्फ अंधेरे काले पहाड़ और खाइयां नजर आ रही हैं सो ये चॉइस है ज़िंदगी के सफ़र में हम सबकी चॉइसेस और हमारे डिसीजंस जो हैं वो हम लोगों को मनफी जहनीत या मसबत जहनीत की तरफ़ लेकर आते हैं हाँ जैसे डॉक्टर साहब एक लोग मैं अक्सर लोगों को मैंने बात करते सुना आ, लोग बड़ी बहस कहते हैं कि यार ये तो हमारी तकदीर में लिखा था लेकिन वहीं पे हम ये भी पढ़ते हैं कि तदबीर से बहुत सारी चीज़ें ना दुआओं से बदली जा सकती हैं आप दुआ करते देखिए परेशानियाँ प्रॉब्लम्स मैं भी ये बात कहता हूँ कराम भी ये बात कहते हैं कि परेशानियाँ प्रॉब्लम जब हमारे पैगंबरों ने देखी हैं, तो है आ, हम, आ, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम वो परेशानियां या प्रॉब्लम्स हम ना फेस करें लेकिन उन परेशानियों प्रॉब्लम्स में आप गलत तरफ अपने आप को ले जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस और, और एडिक्शंस की तरफ। बिल्कुल या कुछ लोग नशे में पड़ जाते हैं Uh, कुछ लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं कुछ लोग डिप्रेशन में सुसाइड में जी जी हो जाते जी जी हो जी हैं जी जी कुछ लोग ऐसी विंडोज पे पहुंच जाते हैं uh, कि आप अपने आप को मज़हब से भी दूर कर देते हैं आप दारा इस्लाम के बिल्कुल ख़तरे वाले उस पर आ जाते हैं कि यू बिलीव ऑन पे किसी ने जादू किया हुआ है आप पे आप पे तावीज़ हुए हुए हैं आप खुदा न खास्ता पता नहीं आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है सो so, वहीं पे अल्लाह ताला कुरान में ये भी तो फरमा रहे हैं कि अपना गुमान अच्छा रखो कितनी बड़ी बात है बिल्कुल है, सही है। बही बही ना एक, एक, ना एक्सेप्ट करें करें एक्सपेक्ट लेकिन कितनी बड़ी बात बिल्कुल है।, है।, है, है मैं जब ये आप देखें ना बिलीव अल्लाह हर जगह है हमें बे यकीन है इस बात का हमारी शहर के करीब है हमें यकीन है इस बात का हमें यकीन है कि हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसकी कामयाबी जरूर यकीनन जितनी आप मेहनत करेंगे उतना समर मिलेगा कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इतना करते हैं और इतना मिलता है कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत तक करनी पड़ती है करनी पड़ती, पड़ती है, और नॉर्मली स्पेशली हम जिस ख़त्ते में मौजूद हैं वहां पे ये मसला है डॉक्टर साहब ठीक है ना? वसाइल की कमी है और अपॉर्चुनिटीज की कमी है बिल्कुल जी जी हम छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं जी जी। फिर इस, इस बात को जरा खाना जो है ना इसका कुछ करो ये जी तो किचन को वाइंड अप करेंगे पहले वाइंड अप करेंगे ओके okay. अच्छा दो तीन स्टेप्स रह गए थे मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था चिकन uh, में हमने सारे मसाले डाल दिए थे जब चिकन जो है आपकी कुक हो जाए उसके बाद आपने क्या करना आपने है आपने बाइट्स भी बनाई बनाई है <laughs> जी वही ही बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं आप ट्राई कर सकते हैं अच्छा जी ये हमने क्या किया चिकन जब हमारी रेडी हो गई उसमें आपने क्या किया कि तकरीबन आपने एक कप मेयोनीज आपने ऐड कर दिया क्योंकि सब लोग चीज़ जो है डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव होती है तो आप उसको मेयोनीज से एक अच्छा सा ग्लेसी सा फ्लेवर भी आ जाता है जूसी सा राइट और ये मैंने ली है चीज़ आप पे डिपेंड करता है कौन सी लेनी है मोजरेला लेनी है या चेडर ये भी मैंने एक कप के करीब चीज़ ली थी इसको हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको इस तरह मिक्स मिक्स कर देंगे अच्छा जब तक ये मिक्स हो रहा है मैंने आप लोगों के लिए पहले से ये काम करके रखा है थोड़ा सा हमें इसको जूसी देखें अगर कैमरा दिखा दें ये इस तरह रखना है थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई करेंगे हम पानी इन देंस जो इसका हमारा सॉस है वो ठीक है जी ये हो रहा है इसके बाद ये इस पोजिशन पर आ जाएगा ठीक है मैंने आप लोगों के लिए करके रखा है यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेंगी ये आपको मिलेगी हेलेपेनो ये होती है थोड़ी सी थिक मोटी होती है इसका जो स्किन uh, है वो मोटी होती है और ये जो है ये सॉफ़्ट वाली है ठीक है अगर आपको क्रंची पसंद है तो ये यूज़ करें एक्चुअली ये यूज़ होती है लेकिन आप सॉफ़्ट भी मिल जाए तो ये यूज़ कर सकते हैं अब ये बनाने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो फिलिंग है हमारी ये आपने इसके अंदर ऐसे फिल करनी है अच्छी तरीके से स्पून से फिल कर लें और इस तरह ये देखें बस एक ही करके दिखाऊंगी बाकी मैंने आप लोगों के लिए सब करके रखा हुआ है ठीक है जी ये कर लिया इस तरह आप फिल करते जाएंगे और अब है इसका सॉस कोटिंग एक्चुअली उसमें लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं आप ये सोचें इतनी ग्लेसी है डायरेक्ट लोग मैदा लगाते हैं कैसे लगेगा तो वो नहीं लगता इसमें हमेशा बताती हूँ रेशो हमने क्या रखना होता है हमने लेना है मैदा एक कप ठीक है थ्री इस टू टू इस टू वन का रेशो होता है मैदा डाला हमने एक कप ठीक है इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर आधा कप जितना मैदा उसका आधा कॉर्नफ्लावर और जितना कॉर्नफ्लावर है उसका आधा यानी कि वन फोर्थ कप चावल का आटा ये आपने डाला सिंपल कीजिए इसको पूरा एक एग लीजिए इसी के अंदर शामिल कर दीजिए ठीक है जी उसके बाद आपने क्या करना है आपने लेना है थोड़ा सा ये फ्लेवर के लिए हम इसमें वन टीस्पून स्पून में मिला रहे हैं काली मिर्च और इसके साथ जा रहा है वन टीस्पून सॉल्ट अच्छा अब यहाँ पे डेफिनेटली ये बहुत ठीक ठीक है तो इसमें यहाँ पर आपने क्या करना है कि बिल्कुल आपको चिल्ड वाटर ठंडा पानी यूज़ करना है जो बिल्कुल फ़्रिज से निकला हुआ हो और ये बैटर बनाने के बाद आपको यहाँ बताती चलूँ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो ये बैटर जो है ना आप जितना यूज़ करें जैसे पाँच से दस मिर्चों का वो बाहर रखें बाकी बैटर फ्रीज़र में रखें जब वो ठंडा हो जाए फिर उसको निकालें क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तब ही इसकी कोटिंग अच्छी होगी इस तरह से आपने बैटर करना है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक रखनी है आपको अगर थिक नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं होगी और इवन अगर ठंडा होगा सॉरी गर्म होगा या रूम टेम्परेचर पे होगा तो भी कोटिंग अच्छी नहीं होगी ठीक है जी ये देखें इतना थिक रखना है ठीक हो गया अब आपने क्या करना है इसमें याद रखिएगा ठंडा पानी ऐड होगा तो ही आपकी अच्छी सी कोटिंग होगी अब हम इसको आपको कोटिंग करके दिखाते हैं अच्छा इसकी कोटिंग जो है ना बेसिकली वो हमें करनी है डबल कोटिंग तो आप पहले एक कोट करेंगे एक साथ भी कर सकते हैं आप इसकी कोटिंग और आप अलग अलग भी कर सकते हैं ठीक है ये देखें ये आपने लगाया इसके ऊपर अच्छे तरीके से और अगेन इसके लिए आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं मेरे पास अभी खुला हुआ बोल है आप इसमें रखें ग्लास में जैसे जो मैंने एग का बताया था तो अच्छा हो जाएगा ठीक है ये देखें कितने आराम से लग गया अब इस पर हमने ये ब्रैक क्रम्स लगाए अच्छे तरीके से इसको अच्छा मेरा बैटर बहुत थिक है लेकिन फिर भी इसमें ये होता है देखिए ये ग्रीन पार्ट बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए ठीक हो गया जनाब ये आपने किया देखिए मेरा तो बिल्कुल वन गो में ही कितनी अच्छी सी कोटिंग हो गई ये कोटिंग होगी इस तरह और इस पोजीशन पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और मैं यहाँ स्ट्रेट अब इसको फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ ये आपके लिए मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ था कि आप लोग जब ब्रेक से आए तो आप लोगों को ये रेडी मिले तो ये थी हमारी आज की रेसिपी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपको खुश कहते हैं आप देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं हमारे शेफ और आप लोग इन्जॉय करते बस हैं हमें तो, इफ्तारी तो में। हर इफ्तारी में इतनी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं आप सबका बहुत शुक्रिया नहीं नहीं ये तो इन लोगों का शुक्रिया <laughs> है मज़ा आता है आ, में आप लोगों को डॉक्टर साहब हम बड़ी मज़े की बात कर रहे थे एक विक्टम मैंटेलिटी होती है लोगों की उसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि खा खां लोग जो है अपने आप को विक्टमाइज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों इलाज की तरफ अगर हम चलते हैं डॉक्टर साहब इलाज क्या है इस सब चीज़ों का क्योंकि बचपन से जितने प्रेशर के साथ उस बच्चे ने ज़िंदगी गुजारी होती है जिसकी इतने सालों उसके दिमाग में एक चीज़ रही है तो वो निकलता कैसे है सब राइट right, सबसे पहली चीज़ तो फैसल ये कि वो इंसान अपनी कंपनी यानी जिन लोगों के दरमियान रहता है उसको चेंज करने की कोशिश करे वो तो बादों ऐसा होता है कि मुमकिन नहीं होता इंसान की फैमिली में लोग सिबलिंग्स सिबलिंग दायरे सिबलिंग्स हो तो नहीं छोड़ सकता इंसान कत रहमी हो जाएगी वो लेकिन अपना माइंड सेट सबसे पहले चेंज करे पहले ख़ुद कन्विंस हो कि बेसिकली ये चीज़ मुझे सिर्फ दलदल में धसा रही है अपने आप को मज़लूम पोट्रे करना दूसरों को ब्लेम करना दूसरी चीज़ ये कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि मैं मखलूक से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता जो लोग मेरी अपनी तरह जवाल पजीर हैं और फ़ानी हैं, मैं तो रख नहीं रख रखूं, रखूँगा मखलूक से मैं उम्मीद रखूँगा खालक से बेसिकली यही फ़र्क है कि एक्सपेक्टेशन को आप नापते हैं कि यार फला चीज़ थी इस तारीख़ तक पूरी नहीं हुई एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट पूरी नहीं हुई तो इंसान मायूस हो जाता है उदास हो जाता है तनहा हो जाता है डिप्रेशन में चला जाता है लेकिन अल्लाह ताला से जब इंसान उम्मीद रखता है बजाय मखलूक से तो रखने के तो वो जवाल पसीर नहीं होती उम्मीद हमेशा कायम रहती कहते हैं तो उम्मीद पर दुनिया कायम है इसी वजह से कहा गया और फिर इंसान सिर्फ तकदीर को जिम्मेदार ना ठहरा जैसे किसी वली का मुझे वाक़ याद आ रहा है कि तो उनके पास शख्स गया कि कितने परसेंट में मतलब कितना हाथ मेरे साथ जो हो रहा है उसमें तकदीर का और जो आपने बात की और तदबीर का है तो आपने कहा कि अपना एक टांग पैर जो है वो उसने उठा लो लोली कर कि उसने उठाया तो कहा दूसरा नहीं मैं तो गिर जाऊँगा दूसरा पैर नहीं उठा सकता मैं तो यही पर सो बेसिकली फिफ्टी फिफ्टी परसेंट और डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तुज़ा एक स्कॉलर हुआ करते थे अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए तो उन्होंने एक बड़ी बात अच्छी बात कही थी तो किसी ने उनसे सवाल पूछा था मैं उस वक्त हमारा बचपना था तो आ, किसी ने उनसे सवाल पूछा कि सार सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर मैं अपने आप को यानी को जिम्मेवार तो उन्होंने कहा देखो शायद तकदीर में इसलिए लिखा हो कि तुम्हें ये काम करना था क्योंकि अल्लाह ताला जानता है अपने इल्म से इसलिए तुम्हारी ये ये बड़ी लोग ये बात करते हैं है। ये वाली जो ये बात करे ना ये बहुत लोग बात करते हैं ये वाली कि जब तकदीर में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा सो बेसिकली रिवर्स रिवर्स करते हैं इस चीज को मुझे ये काम करना था इसलिए अल्लाह ताला ने जो इसको तकदीर में लिखा लास्ट बट नॉट द लीस्ट के अपनी उम्मीद आप रखें अल्लाह ताला से और ये चीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बेस्ट एटीट्यूड इज़ ग्रेटिट्यूड हालत इतमान में रहे इंसान अल्लाह ताला पे तवक्ल करने के बाद बेशक बेशक और कुरान मजीद में हमें नफ़ मतम का जिक्र भी मिलता है डॉक्टर साहब तशीफ फरमाए वो ज़्यादा इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं लेकिन जब तक आप हालत इतमान में नहीं आएंगे मसाइल चलेंगे और बड़ी अच्छी बात मैंने किसी पढ़ी मैंने फ़िक्शन बुक में लेकिन बात बड़ी अच्छी थी कि हज़रत आदम को जन्नत से दुनिया में लाया गया मतलब वो ज़्यादा बेहतर जगह पर थे तो जिस जगह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत से खारिज करवा के वहाँ से निकाल कर लेकर आया वहाँ पर आम इंसान कैसे सुकून में रहेगा यू सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाँ इस पर काफ़ी लंबी हमारी बहस हो चुकी जी जी हाँ। तो ये ये दुनिया जो है मोमिन का कैद खाना भी किसी लिये कहा गया है अगर आप समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी हंड्रेड मुझे यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती सफरिंग नहीं दुनिया आजमाइश और इम्तिहान की लेबॉट्री लिबौर्ट, है एक एग्जामिनेशन हॉल है जब तक हम यहाँ मौजूद हैं सफरिंग भी रहेंगी आजमाइशी भी रहेंगी इंसान को अपने जो दस्तियाब वसायल हैं उनकी बेसिस पर उनसे लड़ना है उनका हल निकालना है और अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना है अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है ये इसका हल है यही लाइफ है जी यही लाइफ है चलते रहना है इसी तरह से थैंक यू डॉक्टर थैंक यू सो मच थैंक यू हम ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक से आएंगे तो सहबत इल्म का वक्त शुरू होगा और आज डिस्कशन है जहाद के ऊपर जी आप सबको सोबत इल्म में ख़ुश आमदेद कहते हैं आ, सुबह जब दोपहर में जब बात शुरू हुई आ, तो हम बात शुरू की कि आज के टॉपिक में हम जाएंगे जहाद पे जहाद पे बात की जाएगी और हमारे कराम यहाँ पे मौजूद हैं और इस्लाम का फ़लसफ़ा आ, अकीदों में से एक अकीदा जिसे हम जिहाद कहते हैं उसको जिस तरह से पिछले 20-22 सालों में प्रोपोगेट करके आ, उसके साथ उस लफ्ज़ को जो घुमाया गया आ, वो आप सबके सामने ही है आ, मुझे जब भी मौका मिलता है जहाँ भी मौका मिलता है आ, किसी भी फोरम पे मैं कोशिश करता हूँ कि इस लफ्स को थोड़ा सा आ, लोगों को समझाने की कोशिश की जाए लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ परमाय कराम मौजूद हैं तो उनसे हम इस पर बात करेंगे हजरत डॉक्टर साहब आपसे मैं इस्लाम का फ़लसफा जहाज़ क्या है और इसकी कितनी इकसाम है बसमल रही जहाद अल्लाह रबत की जानब से बंदों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर साहिबानी ईमान के ऊपर जो फ़र्ज़ एक अमल है उनमें से है कि जहाज जो है वो जोहद से है यानी कोशिश करना अल्लाह रब्ज़त की राह में कोशिश कर लेना कि अल्लाह रबुुल्ज़त ने अपने दीन की तबलीग और नश्र इशात के लिए और अपनी तालीमात को माशरे के अंदर आम करने के लिए और इंसानों को फ़लाही फ़लाह बहबूद की जानब और अच्छाई की जानब दावत देने के लिए जिहाद को तमाम साहिबान ईमान के ऊपर करार दे दिया है और जहाद का जो असल फ़लसफ़ा है लोगों को दीन की जानब लाना है वल्लदीन जाहदुफ़ी लन हदिया नहम कुरान करीम के अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने फरमाया कि जो हमारी राह में जहाद करेंगे हम उनको अपनी राह की जानब जो है हिदायत कर लेंगे सही रास्ता जो है उनको दिखाएंगे तो जिहाद का जो मकसद है जिहाद का जो नतीजा है वो राह इलाही की तरफ लोगों का आना है अब जिहाद की अकसाम के हवाले से आपने जो पूछा है जिहाद की बहुत सारी अकसाम हैं उनमें से एक तो जहाद बैफ है कुराना करीम के अंदर भी अक्सर आयात करीमा के अंदर जो लोगों को जिहाद की दावत जो दी गई है वो जिहाद सेफ़ जिहाद बैफ से मुराद दुश्मन के मुकाबले में जो कुफार हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं इस्लाम को मिटाना चाहते हैं उनके मुकाबले में तलवार लेकर मुकाबला करने मतलब आप आप इस्लाम का हाँ, कर आ, मजलूम बन के नहीं बैठ मजलूम बन के ठीक है एक बात यह हो गई इस्लाम के अंदर तो जालिम बनने की भी मानियत है और हाँ। मजलूम बनकर रहने की भी इजाजत ठीक है बिल्कुल जिहाद सेफ है और एक और जिहाद है जिहाद बिल आप कह सकते हैं इल्म के जरिए जिहाद करना आप पढ़े लिखे हैं आप जानते हैं तो आप अपना इल्म फैलाएं माशरे के अंदर आप अपने इल्म की शमा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आम कर लें तो ये भी एक जहाज़ है इसी तरह जहाद बिलक़लम है आप साहिब कलम है आप लिख सकते हैं आप लिख कर अच्छे ख्यालात को माशरे के अंदर फैलाएँ ये भी एक जहाद हो जाएगा इसी तरह एक इंतहाई अहम जो जहाद है वो जहाद बिलसान भी है यानी ज़ुबान के जरिए जहाद कर लेना अच्छी नसीहत करें आप अच्छे पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँ अल्लाह रबुल्ज़त के पैगाम को माशरे के अंदर फैलाने की आप कोशिश करें ये भी जिहाद है सबसे अफजल तरीन जो जिहाद है जो हदीस नबी के मुताबिक भी जिसको अफजल करार दिया गया है वह जिहाद भी नफ्स है वाह अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना एक दफ़ा रसूल एकरम सलील मदीन मुनवर से बाहर आए कुछ सब कराम जो किसी जंग में शिरकत के लिए गए हुए थे जब वो वापस आए तो आप उनके इस्तबाल के लिए जाते थे जब वो मदीना पहुँचे आपने इस्तबाल फरमाया और फिर उसके बाद आपने फरमाए मरहबा इन मुजाहिदीन के लिए जो जिहाद असगर से वापस आ रहे हैं और अब इनका जिहाद अकबर शुरू होने वाला है तो सहाब कराम हैरान हो गए या हम अपनी जान खतरे में डालकर मैदान जंग के अंदर दुश्मनों के मुकाबले में लड़ कर आए उसको कह रहे हैं कि जिहाद असगर और अब हम अपने वतन पहुँच गए अपने घर पहुँच गए अपने बीवी बच्चों के पास पहुँच आप फरमा रहे हैं कि जिहाद अकबर अभी शुरू हो रहा है तो उस मौके पर आपने जो फरमाया था वो यही था कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो जिहाद है वो जिहाद अकबर है चूँकि नफ़्स के ख़िलाफ़ जो जिहाद है वो हमेशा इंसान को लड़ना पड़ता है दुश्मन के ख़िलाफ़ तो ये ना कि आज जंग है तो कल जंग अगर नहीं होगी तो उस वक्त तक आप बरसर पे जब तक बरसर पेकार हैं आप जिहाद की हालत में लेकिन नफ़्स के ख़िलाफ़ तो हमेशा बरसर पेकारार हैं चाहे आप लोगों के सामने हो चाहे आप तन्हाई में हो चाहे आप खलवत में हो चाहे जलवत में हो हमेशा अपने नफ्स का मुका क्योंकि इंसान का जो नफ्स अमारा है वो इंसान को बुराई की तरफ दावत दे देता है तो इंसान अपने नफ्स के ऊपर अगर कंट्रोल कर ले, अपने आप को इतायत इलाही के दायरे में अगर रख लें कि हमेशा रखना चाहिए तो ये जिहाद है तो इस जिहाद को आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बड़ा जिहाद है बेश्यक। आपने बेश्यक। अपने, अपने इंट्रो में ये जो फरमाया कि आजकल जहाद के हवाले से भी मुख्तल लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की है वाक़ एक बहुत बड़ा अलमिया है जहाद भी सेफ़ का उन्होंने जो गलत माना और मफहूम लिया कि जिसकी वजह से अपने गलत सलत कार्रवाइयों को भी अपने गलत सलत अमाल को भी जिहाद के मुक़दस नाम के आ, साथ जोड़ जो कर वो साथ उसके जो साथ, साथ जोड़ कर जो है इस्लाम की तालीमत को बदनाम करने की यानी अपनी दहशत गर्दाना को भी वो जिहाद का नाम दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे नाम नहाद जिहादी तनजीमें हैं कि जो आ, इस मुक़दस इलाही फरीज़े का नाम लेकर माशरे के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं माशरे के अंदर बम धमाके कर रहे हैं मसाजिद के अंदर इमाम बारगाहों के अंदर बाजारों के अंदर पार्कस के अंदर आप मीलाद के जुलूस करते हैं वहाँ पर वो अपने हर तरह के शरंगे कामों को जिहाद के साथ मंसूब कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं यानी मार रहे हैं और मरने वाले बेचारे भी वो क्या हैं अबुल्जत का नाम लेने वाले होते हैं तो इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है लफ्ज़ जिहाद को भी बदनाम किया है और जिहाद के एक गलत तस्वर लोगों के जहनों के अंदर डाला है आज आप देख रहे हैं फ़लस्तानी के अंदर क्या हो रहा है गजा के अंदर क्या मजालम हो रहे हैं तो ये जो जिहाद के नाम पर अपने आप को कहते हैं कि हम जिहाद करें तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे आज फ़लस्त जाए गजा जाए फ़लस् इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करें इस वक्त मैदान जिहाद उनके लिए सजा हुआ है लेकिन वहाँ जाकर जिहाद करने के लिए तैयार नहीं है ये जहाँ मुसलमान होते जैसे टी टी पी के आप देखते हैं ना कि अभी चंद दिन पहले भी पाक फ़ौज के चंद जवानों को वहाँ शहीद किया गया और इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाईों को भी वो क्या है जिहाद का नाम देते हैं जाहिर है इसकी वजह से आप किसको फ़ायदा पहुँचा जिहाद की वजह से तो अल्लाह और अल्लाह के दीन को फ़ायदा होता है उसको नुसरत मिलती है लेकिन इनके इन कामों की वजह से अल्लाह और अल्लाह रबुल्जत के दीन से लोग बदजन हो रहे हैं और उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो जिहाद का नतीजा अगर दीन का फ़रोग ना हो जिहाद का नतीजा अगर दीन की तबलीग अगर ना हो खुदा न खास्तव जिहाद का नतीजा जो है इन लोगों का अमल अगर दीन की बदनामी अगर हो तो फिर वो जिहाद नहीं होगा वो दहशत गर्दी शहर साहब दौरे हाज़िर की अगर जैसे अभी हज़रत भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब दौरे हाजिर की हम बात करते हैं तो ए, हर कोई यही क्लेम करता है कि वो असल जहादी हैं वो आ, इस तरह से उन्होंने झंडा उठाया हुआ है और वो जहाद कर रहे हैं और आ, तो लोग कैसे ये फैसला करें कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है देखें जब जिहाद को बड़े अच्छे तरीके से उन्हें डिफ़ाइन किया कुरान नमल का मैंने divine, उस दिन भी वाक़ सुनाया था चूंटियों वाला उसमें जो अहम बात है ना वो यही है कि चूंटी ने क्या ऐलान किया जिसको सुनकर हज़रत सलमान मुस्कुरा दिए थे कि देखो चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ कहीं बेखबरी में सुलेमान सलेमानसम की फ़ौज हमें अपने पैरों तले रों दना दें बेखबरी में ख़बरदार होते हुए तो मुसलमान चूंटी को भी नहीं रोंदता ठीक तो कुजा किसी को इंसान को जा करके बिला वजह मार देना जैकेटें पहन के वहाँ जा के ब्लास्ट हो जाना ये जिहाद नहीं है हाँ जिहाद का हुक्म कौन करेगा हाकिम वक्त यहाँ आकर ही हमारी जो है ना सुई फंस जाएगी जिहाद का हुक्म कौन करेगा हुकूमत मुसलमान हुकूमत अगर है तो इस वक्त जो लोग जितनी भी जहादी तंजीमें हैं वो सब अलाम जिहाद तो बुलंद करके बैठी हुई हैं लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है रोहंगिया में क्या हुआ फ़लस्तीन में क्या हो रहा है यमन शाम लीबिया ये सारे इस्लामी ममालिक उस वक्त ये जिहादी तनजीमें बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था कहाँ थी कहाँ हैं कहाँ गायब हो गई अफगानिस्तान में इवन ठीक है ना स्टिल देयर आर सो मैनी क्वेश्चन मार्क्स ओवर देयर कि भाई कौन लोग हैं जो कभी वहाँ पर जंग मुसलत कर देते हैं कभी वहाँ से निकल आते हैं किस तरह से मल्टीपल अपने मल्टाई जो उनके होते हैं ना पर्पज वो पूरे कर रहे होते हैं अब यहाँ आज का मुसलमान और स्पेशली सो कॉल्ड हम पढ़े लिखे लोग हम लोग जिहाद के ऊपर बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये जिहाद है क्या इस्लाम तो अमन की बात करता है इस्लाम तो कहता है कि जी नहीं चूंटी को भी नहीं मारो इसको भी नहीं मारो उसको भी नहीं मारो फिर क्या बात है अब आ जाएं आप गोल्डा मायर की बात के ऊपर जो पहले वजीर खार खारजा थी इसराइल की फिर वो बाद में वजीर आजम बनी नाइन्टी में मरने से पहले उसने एक बी बी सी के नुमाइंदों को अपना इंटरव्यू दिया उसने यही कहा था मेरे मरने के बाद छापना दो दो में फिर ये इंटरव्यू छपा था उसने कहा था कि मैंने पढ़ा मोहम्मद अलहम के बारे में कि उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था तो उन्होंने अमी आयशा को कहा कि आप जाकर के जो है ना ये रहन गिरवी रख के यहूदी से ही जो है ना तेल उधार ले आए वो तेल लाया गया और जब वो दिया जला तो मैंने कहती है मैंने वो हदीस पढ़ी है उसने कहा कि दिए की रोशनी में सबसे पहले वो नौ तलवारें जो नबी की दीवार पे टंगी हुई थी चमकती हुई वो चमक रही थी तो मैं समझ गई कि मुझे भी जो है तलवार उठानी पड़ेगी जब तक हम इन अरबों के खिलाफ जिहाद मतलब जंग नहीं करेंगे हम जब तक इम्यूनाइज नहीं होंगे आर्मर्ड नहीं होंगे अच्छे तरीके से तो उस वक्त हम नहीं करते तो पता चला उनको भी इस बात का एहसास है कि भाई जिहाद इनके नबी अम ने बेहतरीन तालीम दी हुई है कि अपनी बका जब तुम पर आएगा अटैक होगा तुमको अपना दिफा करना है अब दिफा करने के लिए स्ट्रेटजी इस और इसके लिए जो Uh, किन की जिम्मेदारियां होती हैं प्रैक्टिसेज होती हैं हाँ बिल्कुल तो भाई जब हमारे पास हम एटमी ताकत हैं कि नहीं है हैं सारी दुनिया हाँ। मानती है मानने से लेकिन क्या होता है अब यह मैं क्वेश्चन मार्क छोड़े जाऊंगा कि हाँ। तो मानने से क्या होता है हम एटमी ताकत हैं हैं कजीर डॉक्टर साहब बेचारे क्या कहते हुए चले गए कि मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने बेवक़तों को बेकदरों को जो है न कदर की चीज़ दे दी नहीं, लेकिन चले वो हो इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी ना कभी जरूर आएगा कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा मैं आप मर चुके होंगे बेशक लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अच्छे वक्त आएंगे और हमारे सूरमा अपना रंग दिखाएंगे बट थिंग इज दैट एक जन बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए ख़ाली दुआओं से अगर कुछ होता होता नबी से ज़्यादा कबूल शुदा दुआएं किसी की ओहद ना होता खंदक ना होता जंगमूग ना होता ये इतने गजबे ना होते फिर इतने सराया ना होते इसके लिए यकीनन हुक्म है कि इस्लाम को फैलाने के लिए पैदे मौवद हसना अगर वो नहीं करते और आप पर जंग मुसलत करते हैं दैन डिफेंस भी करो और फिर जा कर के उनको बताओ हाँ हम हक पर हैं ठीक है जी हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं मुफ्ती साहब आप भी मौजूद हैं जहाद के अलावा से हवाले से बात हो रही है एक जो मुगालता पैदा कर दिया गया है वो जहाद और कताल के बीच में कर दिया गया जी सो so, मैं चाहता हूं कि उस पर जैसे आज ने भी फरमाया डॉक्टर साहब ने भी फरमाया तो इस पर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्कशन या आप जैसे चाहते हैं कि बसमल रहीबू महमदिन वसम नाहनू इबाद महमदिन वसल्लम सबसे पहले तो फैसल भाई अभी तक कि हमने जितनी भी गुफ्तू आज तेरवा रोज़ा है अभी तक जितने मौजूद का आपने इंतब किया तमाम मौजुआत यकीन अपनी इफ़ादियत और अपनी अहमियत के अतबार से बेमिस बेमिसाल थे लेकिन आज जिस मौजू का आपने और आपके अमले ने इंतखब किया यकीन मैं कल देख रहा था और मैं सुन रहा था देख भी रहा था सुन भी रहा था इसको कहते हैं कि रावी का लिखा भी साबित है और समा भी साबित है तो आपने ख़ुद जो है वो अमले से कहा कि कल हमने जिहाद पर बात करनी है मैं इस मौजू के इंतखा पर सबसे पहले आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ और आपकी जुरात को और आपकी जो अंदर एक मुसलमानों के लिए जो कोड़न उसको सलाम पेश करता हूँ अल्लाह जल्ला मजदूल करीम इसकी आपको जजायखे रहता जहाद और कताल ये दोनों हम माना अल्फ़ाज़ हैं ये असल लफ्ज़ है कताल जब भी एलाउ कलीमत के लिए यानी अल्लाह की शरीयत को अल्लाह क़रीम के आहकाम को जो अल्लाह के नबी लेकर कर आए बिलखसूस हमारे प्यारे नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्ला वसम जिस शरीत मतारा को लेकर आए उसको नाफिज करने के लिए और उसको बचाने के लिए जब भी हक और बातिल का तसादम होता है हक और बातिल आमने सामने होते हैं उसको कताल भी कहा जाता है और उसको जिहाद भी कहा जाता है ये तो बुनियादी तौर पर जिहाद की तारीफ़ है नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला तबारक वसम पर ये यूँ समझिए कि एक नकल कुफर कुफ़र नबाशत ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने तलवार के ज़रिए से इस्लाम फैलाया ऐसा हरगिज़ नहीं आप ये देखिए कि 40 साल नबी पाक अली सलाम की ज़िंदगी से पहले के एलान नबूत से पहले के और फिर एलान नबूत के बाद के तेरह साल जो मक्के में रह कर गुजारे और मक्के में जो तेरह साल नबी पाकलात असलम ने गुज़ारे दुनिया को कोई दानश्वर भी ये नहीं कह सकता कि नबी पाकाम ने किसी को उठा कर फूल की पत्ती से भी जो है वो मारा हो या आपके असाब ने मारा हो बल्कि इस मक्की ज़िंदगी के अंदर नबी पाकलात अल्लाम मुश्किल ही बर्दाश्त करते रहे तेरह साल ये हो गए चालीस और तेरह कितने हो गए तिरपन फिर उसके बाद दो साल मदीनतमनवरा के अंदर इब्ताई तिरपन और दो कितने हो गए पैंसठ नबी पाक पचपन नबी पाकलात असलम की जो ज़ाहरी हयात मुबारक है वो तिरसठ साल है अब आप इसमें से फ़ीसद निकालें टोटल नबी पाकलातू अम ने जो अलम जहाद बुलंद किया है और वो भी आप अली सलातूलाम ने अटैक वॉर कोई भी नहीं की जी नबी सलाम ने जितनी भी जंगे लड़ी।, लड़ी सारी की सारी जंगे जो है वो दिफाही पोजिशन में लड़ी गई चौदह साल जी हाँ ये नबी सलाम के पास या मक्का मक्का वाले या दीगर लोग मदीना पर जो है वो चढ़ाई करने के लिए आते थे ये सारी की सारी जंगें जो थी ये जो है डिफेंसिव पोजीशन में होती थी ये दिफाही पोजीशन में जंगें लड़ी जाती थी अब आप फीसद निकालें तो जो मैं बात अर्ज कर रहा था अट्ठासी फीसद हिस्सा नबी पाक सलाम की ज़िंदगी का वो है ज़ाहरी हयात का कि जिसमें आप सलाम ने तलवार नहीं, नहीं उठाई बारह फीसद नबी पाक सलाम की जिंदगी का वो हिस्सा है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु सल्लाबारक व्लम ने तलवार उठाई अपने अब को तलवार उठाने का काम मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा मैं इसमें तफसी अर्ज कर पहली जो जंग होती है वो पहली जंग तो मुसलमान लड़ने के लिए गए नहीं थे उस पर आप हम बात करेंगे आपने कहा है पहली जंग तो मुसलमान लड़ने के लिए गए नहीं थे जो बाकायदा जो बाबा तौर पर जंग थी जिसे जंग बदर गज़बा बदर कहा जाता है वो तो मुसलमान उस काफ़िले का रास्ता रोकने के लिए गए थे और उसमें भी उनका लड़ने का इरादा नहीं था मुसलमानों के पास आठ तलवारें थी ना जिरहें थी ना घोड़े थे ना खंजर थे ना बाले थे तो आप देखिए कि वो मंजर कैसा होगा कि जब वो एक जासूस कुफार का आता है और आकर एक सूखे लागर से मुसलमान से सूखा लागर सा मुसलमान था साहबी था और उसने तैबंद बांधा हुआ था मैं यहाँ पर यह भी पैगाम देना चाहूँगा अपनी कौम को एक सहाबा की उन अक़ीदतों को और उन कुर्बानियों को और उस जिद्दोजहद को याद रखा जाए कि उन्होंने नबी पाक के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी दिन मतिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी पूछता है वो जासूस कि भाई ना तुम्हारे पास खंजर है ना भाले हैं ना तलवारे हैं ना तुम्हारे पास नेजे हैं ना घोड़े है, जिरे तो फिर तुम किस बलबूते पर जंग लड़ने के लिए जा रहे हो तो उस वक्त जो उस मुसलमान ने जो जवाब दिया अगर मैं उसको उर्दू का तंग जामा पहनाऊं तो वो गोया कि यूं गोया हुए उन्होंने कहा कि न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर ना तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर भरोसा है फकत इस शादी सी काली कमली वाले पर हम तो इनके बलबूते पर जा रहे हैं तो इस्लाम की जो पहली जो जंग लड़ी गई है वो नबी पाक सल्ला तबारक वसम को मुश्किल कुशा मानकर लड़ी गई है बुनियादी बात ये हो गई दूसरी बात जो मैं अर्ज करूं इस हवाले से कि अगर आप कुरान मजीद को पढ़िए तो पूरे का पूरा जो कुरान है आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा हुक्म मिलेगा वो कितल का मिलेगा जिहाद का मिलेगा अल्लाह अजल्लमजुहल करीम अपने नबी को जा बजा मकाम पर इशाद फ़रमाता है कि या यान नबी यू जा दिलकुफ़ारा वलमुनाफ़ीना वज़ अल हिम के ए नबी अब वो वक्त आ गया है कि अब आप तलवार उठाएँगे एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल तबारक व्मा ने अपनी सारी हयात तयबा में तलवार नहीं उठाई लेकिन जब आप सलात सलाम ने तलवार उठाई तो साहबा कहते हमें ऐसे लगता था कि अरब के अंदर आपसे बड़ा कोई तलवार चलाने वाला कोई नहीं है आप अलीस्म जब घोड़े पर पचपन साल की उम्र में एक रिवायत में आता है पचपन छप्पन साल की उम्र में जब साहबा को घोड़ों पर बैठना और जहाद की तरबियत दिया करते थे ट्रेनिंग दिया करते थे तो रावी कहते हैं कि हमने देखा उस उम्र में भी नबी पाकाम घोड़े पर अपना एक दस्ते शफकत ऐसे रख कर और जस्त लगा कर ऐसे बैठते थे जैसे जवान भी घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे तो कुरान मजीद फुरकान मजीद्रकानमीद में जा बजा मकाम पर इसी तरीके से कहा गया व आय दो मस्त मिन मिन कि तुमने अपनी कु्वत को तैयार रखना है फैसल भाई या मैं पूरी उम्म मुसलिमा को एक पैगाम देना चाहूँगा और बिलखसूस अपने मुसलमान हुक्मरानों से ये अर्ज करना चाहूँगा हाथ जोड़ कर अर्ज करना चाहूँगा कि ये हुक्म तो मुसलमानों को था कि तुमने अपनी कु्वत को तैयार रखना है तुमने अपने वेन्स को तैयार रखना है घोड़े तैयार तुमने अपने घोड़े हाँ, तैयार रखने तुमने अपने जहाद का <coughs> जो है साजो सामान उसको तैयार रखना है ये जो ये हुकुम को था, वो हुकुम आज उस पर अमल करके वो पूरी दुनिया पर जो है वो समझिए कि राज कर रहे हैं और मुसलमान ये कह रहे हैं कि माजरत के साथ इस्लाम अमन का दर्श देता है अब जो सूरत हाल चल रही है इस सूरत हाल में इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता छोटे छोटे बच्चों को गाजर मूली से सख्त तरीके से काटा जा रहा है बीस हजार से जायद मुसलमान बच्चे उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वह लाला मोहम्मद सल असलम पढ़ते हैं उनके माँ बाप का सिर्फ इतना कसूर है कि वह भई सी की सदा पर मस्जिद पहुँच जाते हैं उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो फलसतीन को अर्ज़ मुक़दस मानते हैं और उन औरतों की इसमत दरी की जा रही है उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला के वारक वसलमा का कलमा पढ़ने वाले हैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि इकबाल ने सच कहा था कि थे तो वह आबाही तुम्हारे मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ दड़े मुंतजरे फरदा हो ये शिकायत करते हो कि दस तो दस सहरा भी ना छोड़े दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे झुल में दौड़ा दिए घोड़े हमने तो फिर असल बात तो ये है कि थे तो वह आबाही तुम्हारे मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदाओ बस आखिरी एक बात यहाँ पर इस जमन में करना चाहूँगा कि वो हमारे आबा थ हजरत ख़ालिद बिन वलीद की जो बॉडी थी वो इतने सूखर थतने लाग इतने सूखे थे इतने लागर थे इतने कमज़ोर थे बाजाय कि उनको देख कर रूमी जो लश्कर के जो कमांडर थे वो तो बड़ी चीज़ थे रूमी लश्कर के जो छोटे छोटे जो मुजाह तो वो सिपाही थे वो हसरे थे उन्होंने कहा कि यार ये ये मुसलमानों का सिपस रहे। इसको देखो ये इसकी तो समझी कि तिंके में जान वाली बात है। बिल्ला। बिल्ला। बिन वलीद ने सुन लिया। तो आप घोड़े पर बैठे हुए थे रूम उस वक्त फतेह होने जा रहा था और मेरे सरकार सैदर फारूक रदी वर्द की कमांड थी आपका हुक्मनामा था उस वक्त जब रूम फतेह होने के लिए जा रहा था ये जब सुना जरते खालिद वलीद ने तो आपने अपने घोड़े पर बैठे बैठे अपने बाएं हाथ से ऐसे उस रूमी उस सिपाही की बात सुनकर उनका एक बड़ा तगड़ा पहलवान वहाँ खड़ा था उसको ऐसे बाएं हाथ से ऐसे आपने हाथ डाला और हाथ डालकर ऐसे आपने उसको ऐसे ऊपर आसमान की तरफ उठा लिया और उठाकर कहा कि सुनो खालिद अपने जिस्म की ताकत से नहीं लड़ता खालिद ला अल्ला मोहम्मद रसोल्ला की ताकत से लड़ता है तो असल में जो हमारी जो ताकत है वो ये है और नबी करीम सलाम ने रिशात फरमाया सब का अमल मुन हो जाएगा इल्म की जिहाद का अमल भी मनख हो जाएगा इसी तरीके से दिगर अमाल भी मुन हो जाएंगे लेकिन फरमाया मुराबित वो आदमी बुखारी शरीफ की सही से फरमाया वो आदमी जो इस्लामी सरहद पर पैरा दे रहा है उसका अमल क्यामत तक मुन नहीं होगा आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने अजदाद बिलखसूस वो लोग जिनको साहबा और आले बैत कहा जाता है उनकी तर्ज जिंदगी को याद करें और दीन इस्लाम के लिए दीन मतीन के लिए कुरान मजीद के उस दर्ज जिहाद को दर्जे दर्ज जिहाद को याद रखें। सलामकुम अज़र, मैं आ रहा था फिर वो चूँकि बाद से बात चलती है और जिहाद के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये जो पाकिस्तान जहाँ मौजूद है ये उसका एक बहुत बड़ा नतीजा है जो काद ने और उनके तमाम साथियों ने मिल के जो एक जहाद किया आज उसका ये नतीजा है सो so, आपको लगता है कि आज के दौर में इस तरह के किसी जहाद की ज़रूरत है जहाँ पे हम ये जो अभी फ़लस्तन की भी बात हो रही है या जहाँ जहाँ मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है वहाँ पे कोई इस तरह की जबकि सामने जो हैं वो सुपर पावर्स खड़ी हैं जो सबसे बड़ा एक अलामिंग आपके सामने सिचुएशन है बसमिल्ल रहीम नमदून सल रसूल करीम व देखिए ये मुसलमानों पर या इस्लाम पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिहाद नबी करीम ने शुरू किया है या मुसलमान हैं जो जिहाद करते हैं बाक़ी जितनी भी मदाहब हैं वो अमन के मदाहब हैं हालाँकि ये तसुर बिल्कुल ग़लत है क्योंकि नबी करीम ने पिछली उम्मतों में और इस्लाम के मुख्तलिफ अदवार में आने वाले जिहाद के सिलसिले को जारी रखा है जी और यही काम मुसलमानों ने किया बगरना अगर तोरीत का इंजील का ज़बूर का मताल किया जाए या तलबूत वगैरह देखी जाए या खुद क़ुरान को देखा जाए जो बनी इसराइल का यहूद और नसारा के जिहाद का और उस ज़माने में उन्होंने अल्लाह के नबी की कयादत में किए थे उनका तस्करा किया है तो ये बात अजहर मन शम्स होती है ये अलग बात है कि आज उन उन लोगों ने अपने आप को मजहब सेलहदा कर लिया है और हाथ जोड़ लिए हैं कि हमारा मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन इसके बावजूद इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में सब से ज़्यादा बड़ा मजबी जुनूनी है और भारत उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहबी जुनूनी है जो चाहते हैं कि हमारे मजहब और हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ किसी को ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है दूसरी बात यह है कि इस्लाम का जो जिहाद है ये एक बड़े वसी यानी इसके अंदर बहुत वसत पाई जाती है एक वसी परा में इसे देखना चाहिए और जैसा कि उर्दू ज़बान में जिद्दोजहद का आपने ख़ुद फ़रमाया कि पाकिस्तान भी जिहाद के नतीजे में कायम हुआ और इसका आगाज़ अट्ठारह में सैदिन शहीदैन की तहरीक के आगाज़ से हो चुका था सैयद अहमद बरेलवी और शाह इसमा शहीद रमत लि ने जिस काम का आगाज़ किया था उसी को क़ायद आज़ा मोहम्मद जना ने अंजाम पजीर फरमाया आप ये देखिए कि जिस जिहाद को इस्लाम को करता है वो जिहाद सिर्फ़ कितल नहीं है तलवार तो या इसलहा तो बामरे मजबूरी उस वक्त उठाया जाता है जब दवा से इलाज मुमकिन नहीं रहता और सर्जन निस्तरकारी के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाता है वाह 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 यानी बामर मजबूरी मत नबी करीम ने फ़रमाया कि मुझे किसी एक काफिर को कतल करने से ज़्यादा बेहतर यह है कि वो मुसलमान हो और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए आप ये देखिए कि इस्लाम में मक्का में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी तो वहां भी जिहाद हो रहा था हालांकि वो दौर मजलूमियत का था सब्र का था बर्दाश्त का था लेकिन कुरान कहता है वह जाहिद हम बही जहादन कबीरा आप इनके साथ इस कुरान के ज़रिए बड़ा जिहाद कीजिए तो जिहाद बिल इल्म भी वाज हो गया जिहाद लिसान भी वादे हो गया जिहाद, जिहाद कलम भी वादे हो गया और फिर यहाँ तक के यानी इस्लाम के जो मकासद ख़मसा हैं उसमें जान का तहफ़ इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है माल का तहफ़ है हमारे यहाँ बस इस्लाम ये कहता है कि जिस तरह इंसानी बुनियादी हकूक में उसकी जान माल इज्जत आबरू इंपॉर्टेंट है उसी तरह दीन भी इंपॉर्टेंट है वेरी ट्रू। तो जहाँ कहीं मैं, मैं आपको रोकूंगा दो मिनट के लिए सिर्फ लाहौर में चूंकि अजान मग़रब का वक्त हो गया बस वो सुन के तो वापस आके यहीं से कंटिन्यू कर जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं डॉक्टर साहब से बात हो रही थी थोड़ा सा ब्रेक की वजह से हमें आ, रुकना पड़ा लाहौर में अवतार हो गई है जी और अब हम कराची वाले वेट कर रहे हैं अवतार होते हैं ना लाहौर में दस मिनट के बाद फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं लाहौर से आप ही क्या हो रहा है अरे भाई प्रोग्राम हो रहा है हाँ जी मेरा ख़्याल है जिहाद के हवाले से बात हो रही थी कि इस्लाम ने जिहाद को एक वसी पैमाने के ऊपर पेश किया है और उसे कबूल कराने के लिए नबी करीब की तालीमात मौजूद हैं तो यहाँ तक फरमाया गया है कि मन खुतला दूना माल ही फ शहीद उन यानी अगर कोई शख्स है जिसका हक़ हलाल का पैसा है माल है और उसको कोई छीनना चाहता है और वो उसमें रुकावट डालकर मुजाहमत करता है और अपना बचाव करता है तो अगर वो उसमें मारा जाता है तो वह शहीद कहलाएगा फिर इसी तरह नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के शहीद कौन हैं तो कहा गया ये रसोल्ला वो जो मैदान कारजार में मैदान जिहाद में मारे जाएँ वो शहीद हैं फरमाया इस तरह तो मेरी उम्मत में शहीद बहुत कम होंगे तो फिर आपने सात किस्म के शहीद भी गिनवाए यानी जो पेट की बीमारी में मुबला होकर फौत हो जाए वो भी शहीद है और जो डूब कर मर जाए वो भी शहीद है जो आग में जल कर मर जाए वो भी शहीद है जो किसी चीज़ में दब कर हादसा की मौत में मरे वो भी शहीद इस तरह सात जो जो ताउन की बीमारी में मर वो भी शहीद है सात अफस्में आपने गिनवाई तो इकबाल के वो शेर है ना ये शहादत गहे उल्फत में क़दम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमा होना तो जब कल इस शहादत पढ़ कोई इस बात पर अपने आप को आमादा कर लेता है कि मैंने क़दम कदम पर शहादत का अमली सबूत देना है और जिहाद में शरीक रहना है क्योंकि अल अलजहाद मा दिन अलायमयाम जिहाद क़्यामत तो तक जारी रहने वाली चीज़ है जिस तरह नमाज क्यामत तक जारी रहेगी रोज़ा क्यामत तक जारी रहेगा महतल्ला का तवाफ़ क्यामत तक जारी रहेगा इसी तरह जिहाद भी क़ियामत तक जारी रहेगा किसी आदिल हुकुमरान का अदल उसे नहीं रोक सकता किसी जालिम का जोर और म उसे नहीं रोक सकता अब जब कोई इंसान इस तरह का जिहाद कर रहा होता है यानी अपने घर में रहकर अपने कारोबार की मस्त पर बैठकर अपने आप से अपने जाइए तो आपको बताया गया कि इसके बूढ़े वाले और उनकी खिदमत गुजारी के लिए कोई मौजूद नहीं है आपने पूछा कि जाओ लॉर्ड जाओ फफीहा फजाहिद उनकी खिदमत करके जिहाद का सवाब हासिल करो तो यानी इस्लाम कताल को पसंद नहीं करता हदीस शरीफ में आता है कि तुम ये तमन्ना ना करोगे कर दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना हो यह तमन्ना ही ना करोगे कर दुश्मन से आमना सामना हो यानी पंगे नहीं लेना है ऐसी कोशिश करनी नहीं है कि कहीं किताल हो कहीं जंग हो क्योंकि तो यही अमन का दीन है हाँ अलबत् अगर आमना सामना हो जाए तो फिर इस्तेकामत का मुजाहरा करना है यानी कुफार और रुहमा बैनहुम तो अब अगर कोई इंसान इस तरह का जिहाद करता है तो जिहाद जिहादिन नफ्स है जिसे जिहाद ने अकबर से कहा कि रजा आना मिन जिहाद असगरी अकबर। लेकिन जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि इस्लाम खतरे में होता है मुसलमान ख़तरे में होता है या रियासत इस्लामिया ख़तरे में होती है या किसी मकबूदा इलाके में कोई मुसलमान ख़तरे से दो चार होते हैं तो फिर हुक्म होता है उस नफीर आम का जिसे जिहाद कहते हैं कताल की सूरत में अब इस वक्त जो कंडीशन है जिहाद फ़र्द किफाया है फ़ौज अफवाज मौजूद हैं हर मुल्क के अंदर फ़ौज मौजूद है उस फौज की ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल तरीके से होती है उनको वेपनाइज किया जाता है भरपूर अंदाज में इस तमाम शोबाजात कायम है तो वो जिहाद जो जिहाद कताल की शक्ल में है वो फ़र्द किफ़ाया है उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है पैगाम पाकिस्तान का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये बात हुई कि बाज़ ऐसे ग्रुप और बाद ऐसे ग्रोह जो मतहारब होते हैं और वो गफलत का शिकार होते हैं गुमराही का शिकार होते हैं उन्हें कुछ और इस्लाम दिखा दिया जाता है भड़का दिया जाता है और कहते हैं ना आधा आधा सच भी झूठ होता है वाह तो उन्हें इस तरह गुमराह किया गया कि तुमने जिहाद करना है और कुरान की वो आयत पेश करके कि जब तक आप पूरे उस सिनारीो में नहीं लेंगे इस्लाम को जो इस्लाम ने पेश किया है जिहाद को नहीं समझ सकते तो पैगाम पाकिस्तान में अलहमदिल्ला अट्ठारह सौ मुफ्तिया और कराम ने जो तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं ये तय किया कि किसी प्राइवेट जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है

कि हमारे पास ये टूल्स है इस दौर के जिहाद के अगर तुम तो हमारे मुतालबात पूरे नहीं करोगे तो हम इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल कर सकते ठीक है जी एक कॉलर है असला वरह वीब कैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है बड़ा करम है भाई सर इस्लाम से बात कर रहा करूँ हमजा जल अली मेरा नाम है माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आज आपका मौजू भी बहुत अच्छा है माशा जुल्फ खारशा साहब भी बैठे हैं डॉक्टर उमैर साहब भी बैठे हैं मौलान सिखी दाऊद साहब भी बैठे हैं हज़रत माशा से बहुत अच्छी गुफ्तु चल रही है सिर्फ मेरा सवाल ये है कि आज वैसे तो हम सबको फ़लस्तिन के लिए और गजा के मुसलमानों के लिए निकलना चाहिए जंग करनी चाहिए मगर अफसोस के हम लोग नहीं कुछ कर सकते तो हमारे वो लोग जो इनके लिए अल्फाफ इन तो जुबान से निकालते हैं मगर इन्ही कफार की जो है वो का ट भी नहीं करते और इस्तेमाल भी करते हैं और वहाँ पर बैठ के इन पे लान तान भी करते हैं तो इस सिलसिले में इन लोगों के लिए जो है वो क्या होना चाहिए और हम लोगों को इनके साथ क्या करना चाहिए इस पर भी जरा रोशनी फरमा दें ठीक है जी ब्रेक के बाद मैं आपको इसका जवाब दिलवाता हूँ छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते जी हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आलमो की सोहबत में जब आप बैठे हों तो चाय का मूड बन ही जाता है जनाब तो ये अवतार के वक्त एक कप तो हो जाएगा इसके बाद एक कप और प्लीज़ अवतार के फौरन बाद फ़िलहाल नहीं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है हजरत समअप करते हैं सारी बात को थोड़ा सा समझा दें सब ने माशा बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों तक पहुँचा दिए हैं जो एक मिसकन कंसेप्शन है मेरे ख्याल से वो भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ख़त्म हुआ है अल्लाह नहाय बुलंद कामत बहुत ख़ूबसूरत और हसन जमील जिसम बहुत घुटा हुआ और नहाय मज़बूत जो अपनी नौजवानी में भी पहलवानी करते हैं और जिन्हें देखकर हज़रत उमर रदी अल्लाह तहों को देखने का शुबा होता है ये वो कदर शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 125 सौ पच्चीस जंगें लड़ी हैं जिसम के एक एक हिस्से पर ज़ख़्म है तलवार या तीर का लेकिन उसके बावजूद उनका इंतक़ाल उनके बिस्तर पर होता है और जंगों में फ़तह इसलिए होती है कि उन्होंने अपने अमामा में नबी करीम सलील वाल वसलम के मुए मुबारक रखे हुए, हुए हैं अकबर और वह हज़रत सैदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तुम की ज़िदस है इनसे बड़ा जंगजू पूरे आलाम इस्लाम के अंदर पैदा नहीं हुआ एक ऐसे वॉरियर जो सिर्फ़ जब इस्लाम नहीं लाए उस वक्त भी इतनी बड़ी यानी समझें कि जंगी हमत अमली रखते थे कि गजबा अहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान इनकी वजह से उठाना पड़ा और जब मुसलमान हुए तो फिर इनकी कैफियत और इनका आलम यह था कि आपसे पूछा गया कि जंग यरमूक में आपका अमामा नीचे गिर गया और आप तमाम तर सहबा को अपना अमामा तलाश करने पर क्यों लगा दिया तो फरमाया कि लम अशहद के तालन इल्ला इल्ला वही माई। फरमाया कि मैं अपने इस अमामे के साथ हर जंग में इसलिए जाता हूँ कि यह अमामा मेरे सर पर हमेशा इसलिए होता है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल के मुँह मुबारक सिले हुए हैं और इस वजह से मुझे जंगों में फ़तह होती है ग़बा मोता में अपने हाथ से नौ तलवारें तोड़ी हैं ये पहली बात दूसरी बात यह है कि इस्लाम में जो जिहाद या जंग का कॉन्सेप्ट है वो कभी डिफेंसिव होता है कभी ऑफेंसिव होता है मुतादद जंगें मुसलमानों ने डिफेंसिव लड़ी हैं लेकिन ऑफेंसिव वॉर्स भी हैं जिसमें सबसे बड़ी मिसाल फतह मक्का की है और गजवा बदर बुनियादी तौर पर एक ऑफेंसिव वार थी कि जब मुसलमानों ने आ, वो काफिला जो बायदा अबू सुफीन की सरबराही में उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे इसलिए तिजारत का माल लेकर जा रहा था कि उसके बाद वेपन ख़रीदेंगे तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर बाकायदा उस तजारती काफ़ले को रोका है ताकि इनकी इकनॉमिक बायकॉट के साथ इनके ऊपर एक ऐसा हमला किया जाए जो इनके इनकी शहरक को काटे और ये तजारती काफ़िला में मुनि हो जाए लेकिन बिलाखिर मुसलमानों ने गजबा बदर की और मुसलमानों को उसमें फतह हुई अब मैं इसमें दो तीन बातें चाहता हूँ कि जिसकी कन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है देखिए पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है पाकिस्तान एक एटमी ताकत है इसीलिए आज भारत की हिम्मत नहीं होती कि वो आप पर जंग मुसलत नहीं कर देता अगर पाकिस्तान एक एटमी क़वत नहीं होता तो भारत ना जाने कब का आपको मलिया मेट कर चुका होता वॉर स्ट्रेटजीज दुनिया के अंदर बदल चुकी हैं हमारे पड़ोस के अंदर कम यानी 50-60 बरस से जंग चलती रही है कभी वहाँ पर रशिया आ जाता है कभी अमेरिकन आ जाते हैं नेटो फोर्सेस वहाँ पर रही हैं तो ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान अफवाज जिस तरह से पाकिस्तान के दिफा को नाकबले तस्खीर उन्होंने बनाया हुआ है और मैं यहाँ पर जो हदीस डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब ने पढ़ी मैं उसी को कोट करूँगा कि हज़ुर सलाम ने फरमाया जो अपने माल के दिफा में मारा जाए वो भी शहीद है जो अपने अहलोयाल के, के दिफा में मारा जाए वो भी शहीद है और जो शख्स अपनी जान की हिफाजत में मारा जाए वो भी शहीद है लिहाजा मैं ये बात कैटेगोकल कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज का हर वो सिपाही जो पाकिस्तान के दिफा में हमारी जान मालू के दफा में मुल्क की कौमी सलामती के दफा में अपनी जान देता है वो अल्लाह की बारगाह में शहीद लिखा जाता है अब आप देखिए कि बैन अवी कानून इंटरनेशनल ह्यूमिटेरियन लॉ जो जेनेवा कन्वे या हैग कन्वेन्शन पर मबनी है वो सिर्फ एटिकेट ऑफ वॉर को डील करता है एथिक्स ऑफ वॉर को डील करते हैं लेकिन जिनीवा कन्वेंशन के मुंह पर समझे कालक मल दी गई आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तमाम तर जो फैसले हो रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोलूशन हैं उनको वेस्ट बिन में उठाकर इसराइल ने फेंक दिया और आज के बाद अगर पूरी मुस्लिम दुनिया को कभी भी कोई इंटरनेशनल ह्यूमिटेरियन लॉ के तनाजर में जंगी आदाब पढ़ाता है तो उन्हें कम अज कम इस बात की अखलाक़ी जरूरत नहीं होनी चाहिए इस वक्त जो कुछ गज़ा में हो रहा है वह बैन अवी महिदा की भी जो है वो खिला हो रही है इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है वो एक ऐसी कोशिश है चाहे वो जबान से हो कलम से हो इल्म से हो माल से हो या तलवार से हो जो अल्लाह ताला के कलमे की सरबुलंदी के लिए पेश की जाती है इसलिए इसको एलाय कलमतल हक़ के लिए कोशिश कहा जाता है अब इस्लाम में जो जंग का तस्वुर है वो दो एतबार से है नंबर वन पर्पज़ ऑफ वॉर क्या है नंबर टू एटिकेट ऑफ वॉर क्या है जंग के मकासद क्या हैं कुछ कुरान की आयत की रोशनी में आप सुने उज़ीन यूक़ात अल्लाह फरमाता है हमने जहाद की इजाज़त इसलिए दी है कि मुसलमानों पर ज़ुल्म किया गया तो नंबर वन ज़ुल्म की सरकोबी के लिए जिहाद किया जाएगा कातिलूहुम हत फ़ितना व यकून दीनू कुल्लू ला दीनु तुम इनके साथ कताल करो यहाँ तक कि फ़ितना ख़त्म हो जाए और दीन अल्लाह के लिए मुकम्मल मुकम्मल तौर पर हो जाए तो गोया के जुल्म के सर को भी फितना को ख़त्म करना इकामत दीन कातिलूी सबी ला लदीन युकातिलु नकुम जो तुम से कताल करते हैं इसलिए हमारे ने लिखा है इमाम सरखसी की आफसीरे कबीर की शराह पढ़ कर देखें तो नॉन कॉम्पिटेंट्स को जंग में कत्ल नहीं किया जाएगा कातिलु ये मुकातला से है यानी जो तुम से जंग लड़ते हैं तुम भी उनके साथ जंग लड़ो तो लिहाजा ये जंग के आदाब में से है कि उनके साथ जंग लड़ी जाएगी जो हमसे जंग लड़ते हैं और वलाबदीन और हद से तजावुज हालत जंग में भी मत करना अब यहाँ पर कुरान की एक ऐसी आयत है जो हालत हाजरा पर ये जितने भी सवाल हो रहे हैं आप दिल थाम कर इस आयत को सुने अल्लाह तरमाता है तो कातिलु न फी सबी वल मुस्तदाफी नीना रिजाली व न वल विलदान लदीना यक़ुलना रब ना अखरिज ना मिनहज हिलकरतालिमि आहलहा वजालाना मिल्ल का वलिया वजालाना मिल्ल का नसीरा तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रस्ते में कताल नहीं करते जबकि कमज़ोर नातवा बूढ़े ज़यीफ मर्द औरतें बच्चे जो पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि रब करीम इस शहर के लोग बहुत ज़ालम हैं, हम इस खत्े से बाहर निकाल और अपनी जनाब से हमें कोई मददगार और हमें कोई नसीर अता फ़रमा आदाबल्काल क्या हैं हुजूर सलाम ने फरमाया बूढ़े को कत्ल मत करना जंग में बच्चे को कत्ल मत करना छोटे बच्चों को नौजायदा बच्चों को कत्ल मत करना औरतों को कत्ल ना करना आज 2024 में जब दुनिया ह्यूमन राइट्स का नारा लगा रही है आप अंदाजा कीजिए मोर देन 40,000 रिपोर्टेडली सिविलियंस दे हैव बीन मैसाड मर्सी और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड किट्स का जो है वो यानी कतलेआम हो रहा है स्टावेशन फेमिन की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं और हमारे नबी अलैहि वसल्लम हमें जंगों में ये आदाब सिखा रहे हैं फरमाया हद से तजावज मत करना वादा खिलाफी मत करना मुर्दों का मसला मत करना लाश को मस्क मत करना फरमाया बच्चों को कत्ल मत करना यहाँ तक कि अगर पादरी और प्रीस्ट और रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज़ हैं अगर वो अपनी इबादत गांव में हैं, फरमाएं उनको कत्ल मत करना हजरत सैदन सिद्दीक अकबर रजील्ला जब लश्कर को रवाना कर रहे हैं तो नसीहत क्या फरमाते हैं फरमाते हैं औरत को कत्ल मत करना बच्चों को कत्ल मत करना बूढ़े को कत्ल मत करना दरख्तों को वजह मत उखाड़ना किसी आबादी पर फरमाया उसको तबाह बर्बाद मत करना भेड़ बकरी को बगैर जरूरत के कतल शहीद कतल मत कर देना फरमाया खजूर के दरख्त को ना काटना ना जलाना और ना किसी के साथ वादा खिलाफी करना ना किसी को धोखा देना फरमाया कि ऐसे लोग भी होंगे जो तुम तुम्हा, तुम्हारे साथ जंगों में इंगेज नहीं करेंगे उन लोगों को माफ कर देना अब आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर अले सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि कुन्ना नुअल्लिमु औलादना मगाजी रसुलाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलिहि व सल्लम कमान नुअल्लिमहुम असूरत मिनल कुरान हम अपने बच्चों को सहाबा کرام की जंगों के واقعات सुनाते थे हुजूर की जंगों की स्टोरीज सुनाते थे आज तो हम जो 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 कार्टून फिल्म्स इस वक्त बच्चे देख रहे हैं उनमें एग्रेशन पैदा हो रहा है बदतमीजी और बदतहजीबी पैदा हो रही है साहबा के नाम कहते हैं हम अपने बच्चों को आप की जंगों की स्टोरी स्टोरीज सिखाते थे जैसे उन्हें कुरान मजीद की आयात सिखाई जाती हैं सत्ताईस रजब वो अजीम तारीख़ है जब आप सल सल्हम मस्जिद अकसा में

पाँच हिजरी में मुसलमानों ने उसको रिकैप्चर किया आप अंदाज़ा कीजिए कि सुल्तान पूरी ज़िंदगी हज नहीं कर सके जिहाद में मसरूफ़ थे और जब बैतुलमद फ़तह हुआ तो वो इसलिए हज ना कर सके उनके पास पैसे नहीं थे और जब इंतकाल हुआ तो एक दिनार और सैंतालीस द्राहिम उन्होंने अपने तरके में छोड़े हैं तलवारें और घोड़ा और ढाल छोड़ी है और ये वसीयत की कि मेरी तलवार को मेरे साथ कबर में दफन कर दिया जाए ताकि क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हूँ तो इस तलवार से लगाकर हाजिर हूं कि करीम इस तलवार से तेरी उम्मत का नबी की उम्मत का मैंने दिफा किया था। Allah तो आज उम्मत को जरूरत है ऐसे अफरात और गैरत और दानाई के साथ आ, उम्मत मुसलमान की इज्जत और आबरू का दिफा करें मैं सिर्फ पैगाम के साथ इस बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि कोशिश करें अपनी सफों में पैदा करें। बाँ बाँ। अपनी सफों में हाथ जोड़कर इस वक्त जिन मौजूद पर यानी हमारे उलमा के माबेन डिबेट्स हो रहे हैं जिस तरह मशाइ के दरमियान इस वक्त जो है वो चीज़ें इंतशार का शिकार हो रही हैं जब हम इस्लाम की बुनियाद पर एक नहीं हो सकते तो हम आलमी ताकतों को मुसलमानों को क्या हम एक होने की दावत देते हैं अल्लाह ताला फरमाता है या आहल किताब ताल कलिबीनकुम अहले किताब जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें दावत दी जा रही है कि तोहद पर हमारे साथ इतिहाद कर लो तो क्या वजह है आज बैतुलमस के दिफा में अपनी हरमत और नामोज के दिफा में आज कश्मीर के दिफा में मुसलमान ला अला मोहम्मद और रसूल्लाह पर एक नहीं हो सकते आज मुसलमानों को किसी एक सलाहुद्दीन ऐबी की ज़रूरत अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम इस्पॉन्सर्स का फोटाइल खालिद्स पंजनत बाय जे डॉट हरी आ, हर, हर बीओन और ए टी एम मॉल का और हमारे ओ जी डेवलपर्स वाइल्ड वेंचर्स वाटर पार्क आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस्पॉन्सर्स के लिए थैंक यू सो मच हजरत बिल्कुल बजा फरमाया सब ने जो घूम फिर के बात समझ में आती है वो यही है कि हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक होने की और हम ये नहीं कहते कि हम लड़ी ही पड़ें जैसे हमारे भाई का मैसेज आया था कि कोई क्यों हम सब अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं अगर कोई थोड़ा सा बेचारा कहीं फंसा हुआ है ना इस वक्त लेट गो करो उसका मकसद देखो सिर्फ उसका मकसद क्या चल रहा है सो so, मेरे ख़्याल से कराची के गिरदा अजान का वक्त हो गया हम उस तरफ बढ़ते हैं जी الله أكبر الله أكبر الله أشهد <applause> أن